विभाव नमुकारो सौवस्त कीर्माणो पावस्त पणासनो होइन अरहंत भाष्यथम गर्हर प्रणमामि भक्ति देवैगंतियम जुषो सुदनान महो वही शीर्षां। तीर्थंकर देशुताय नमो नमः। द्वादशांग जिनवाणी के 112,83,58,502 में हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। रत्न त्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। 2403 नमो नमो तीर्थो भी श्रीमंदर आदिक नमो विद्यमान जिन भी। 16 कारण मंगल पर्व का अवसर चल रहा है। हमारे दैनिक धवला पुस्तक के स्वाध्याय के साथ साथ में कुछ धवला जी के आधार से जो भूत बलि ने तीर्थंकर प्रकृति ने 16 कारण भावनाओं का सबसे पहले जिनागम में वर्णन आया वह प्रीति जी आया बंद स्वामित्व विजय। धवला के शकंडागम में 3रा खंड है बंद स्वामित्व विजय। आज जितना भी हमें जो भी उपदेश जो भी शास्त्र मिलते हैं लेकिन सबसे पहले 16 कारण का नाम जो इसने लिखकर बताया वे हैं आचार्य भूतबलि। उन्होंने 3रे खंड बंद स्वामित्व विजय में कस्तो जी कौन से सूत्र है? सूत्र नंबर 37 से लेकर सूत्र 42, 6 सूत्रों के अंदर उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति कैसे बनती है और अंतिम सूत्र में बताने वाले हैं कि जिसके तीर्थंकर प्रकृति बनती है उनको 3 लोग के किस प्रकार से नमस्कार करते हैं, ऐसी सुंदर चर्चा ये धवला पुस्तक 8 में धवला खंड 3 का भाग है उसके अंदर आएंगे। हमारे यहाँ पर सूत्र नंबर 37, सूत्र नंबर 38 और सूत्र नंबर 39 की चर्चा हो चुकी है। आज कौन सा चलेगा? सूत्र नंबर 40 की वासना शुरू करनी है। देखिए कैसे शुरू हुआ। भरत क्षेत्र में जितने भी तीर्थंकर होते हैं और एरावत में भरत एरावत दोनों में लेना पड़ेगा, 5 भरत और 5 एरावत। कैसे हुए 5 भरत और 5 एरावत? सुदर्शन विजय अचल मंदर और विद्युन्माल, ये 5 मेरु। इन 5 मेरु संबंधित 5 भरत और 5 एरावत, ये हो गए 10 क्षेत्र। यहाँ पर तो हमेशा 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर ही होते रहते हैं। मतलब अभी 5 कल्याणक तीर्थंकर होते रहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ मुग्धा जी? कि इन सभी तीर्थंकरों ने पूर्व 3रे भव में 16 कारण भावना भाई और तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। विदेश क्षेत्र की बात अलग है, वहां पर 5 कल्याणक वाले, 3 कल्याणक वाले और 2 कल्याणक वाले तीनों प्रकार के तीर्थंकर के जीव होते हैं। अब भरत और एरावत में जो तीन तीन क्षेत्र जो हुए इनमें जो 3 5 5 कल्याणक वाले हुए, तो भगवान महावीर की बात करें तो नंद राजा के भव में उन्होंने 16 कारण भावना भाई थी, उसके बाद में 16वें स्वर्ग में गए और माता त्रिशला को उन्होंने 16 सपने को दिखाया। तो ये जो पंच कल्याण की जो बात है ये 16 कारण से शुरू हो जाती है। अब क्या है कि 16 कारण की पूजा भी की जाती है, 16 कारण व्रत भी चल रहा है, तो 16 कारण धर्म है या शुभ भाव है और शुभ भाव आश्रव तत्व है? तो आचार्य उमा स्वामी ने 16 कारण भावनाओं को आश्रव तत्व कहा और आश्रव तत्व तो है। तो प्रश्न ये उठा कि जब आश्रव तत्व उसकी पूजा क्यों करते हैं? तो क्या कहा राजू जी? हम 16 कारण भावना की पूजा नहीं करते हैं। हम किसकी पूजा करते हैं? जिन्होंने 16 कारण भावना भाई है ना, जिन्होंने 16 कारण भावना भाई है और तीर्थंकर पद को प्राप्त हो गए और ऐसे को ध्यानोत्तरा जी कहते हैं कौन है? परम गुरु है। उन्होंने उसको क्या उपमा दी? परम गुरु। आचार्य उपाध्याय और साधु इन 3 को गुरु की उपमा है और अनंत भगवान को परम गुरु की और सिद्ध भगवान को देव। यहाँ पर कैसे विभाजन किया प्रीति जी? सिद्ध भगवान को जिन देव देव है, अनंत भगवान परम गुरु है और बाकी परमेश्वर को गुरु में लिया है। तो हम उन गुरुओं की पूजा कर दे। ये जो 16 कारण की भावना है ना व्याज आश्रम है दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील वृद्धि सुनिच्छा। बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलिए संवेक शक्ति त्याग तपे बिना आप कह रहे हैं, बिना आप नियम तोड़ रहे हैं, भगवान महावीर का नियम तोड़ रहे हैं। पहले हाथ उठाइए हम बोलेंगे वो बोलेंगे। हाथ उठाए कस्तूरी जी ने, कस्तूरी जी बोलिए। बोलो कस्तूरी जी, लिख के बोल सकते हैं। हमारे यहाँ पर देख के म्यूट किया था, अलाउड
म्यूट किया था, खोल दिया। हाँ खोलिए। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील अत्याचार, अभिक्ष ज्ञानोपयोग, संवेक शक्ति तप, शक्षित त्याग, साधु समाधि, वैयावृत्तकरण, आचार अरिहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुशुत भक्ति, प्रवचन वात्सल्य, आवश्यक परिहारनानी, मार्ग प्रवाहन और प्रवचन वात्सल्य। प्रवचन वस्त्र है ना। देखिए आपने जो नाम बोले ना उसमें सही है, लेकिन क्रम भी एक आगे पीछे हुआ है। आगे पीछे हो गए आपके नाम में, कोई बात नहीं। अब मुग्धा जी बोलेंगे, मुग्धा जी बोलिए, नाम बोलिए। दर्शन विशुद्धि, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील प्रदेश, अनितिचार, अभिक्ष ज्ञान उपयोग, संवेक शक्ति त्याग, शक्ति स्तप, साधु समाधि, वैयावृत्तकरण, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन वत्सलत्व, मार्ग प्रभाव। अब तीर्थंकर जो अपनी कल के स्वाध्याय चल रही है और ये 16 कारण के जो भाव बोले आश्रम में, उसमें ये तो कहा जाता है कि अगर दर्शन विशुद्धि नहीं है तो 16 कारण भावनाओं का बंद नहीं होगा। मतलब एकमात्र किसके दर्शन विशुद्धि की बात है। तो शिष्य ने क्या प्रश्न पूछा कि दर्शन विशुद्धि मतलब सम्यक दर्शन। दर्शन का अर्थ क्या कहते हैं यहाँ पर, दर्शन का अर्थ क्या हुआ, सम्यक दर्शन, और विशुद्ध सम्यक दर्शन। अच्छा अच्छा विशुद्ध सम्यक दर्शन मतलब शायिक सम्यक दर्शन, क्योंकि दर्शन सम्यक दर्शन के तीन भेद बताए उर्मिला जी, कौन से, औपशमी, शायोपशमी और शायिक। देखिए काल की अपेक्षा भी अंतर है, लेकिन शुद्धि की अपेक्षा से औपशमिक सम्यक और शायिक सम्यक में कोई भी अंतर नहीं है। काल जरूर है, औपशमिक सम्यक का काल अंतर्मूर्त है और शायिक सम्यक का काल अगर सिद्ध भगवान की अपेक्षा ले तब तो साधी अनंत काल लेना पड़ेगा, नहीं तो साधी शांत हो जाएगा। अगर संसार अवस्था की अपेक्षा से देखें साधी शांत हो जाएगा, लेकिन दोनों की विशुद्धि समान है तो दर्शन विशुद्धि है। तो इसका मतलब क्या कि जो भी जीव औपशमिक सम्यक वाले हैं और जो भी जीव शायिक सम्यक दृष्टि है उनको क्या तीर्थंकर प्रकृति बनती है क्या? ऐसा कैसे कह सकते हैं प्रीति जी? ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि जो भी मोक्ष जाते हैं वो शपक श्रेणी चढ़कर जाते हैं, और शपक श्रेणी आश्रम कौन चढ़ता है, शायिक सम्यक दृष्टि चढ़ते हैं। तो शायिक सम्यक दृष्टि सबको होता है तो सभी तीर्थंकर जी भी मोक्ष जाते हैं, बाकी मोक्ष नहीं जाएंगे क्या? कि ऐसे नहीं होंगे। तो आचार्य ने जब ये बताया कि तीर्थंकर प्रकृति के बनने के कारण कौन है, तो उन्होंने बोला कि सम्यक भी तीर्थंकर प्रकृति के बनने का कारण नहीं है। क्या क्यों बोला ऐसा, क्यों कहा आचार्य ने, क्यों कहा? क्योंकि सम्यक दर्शन अगर कारण माना जाए, नियामक कारण माना जाए, तो सभी जीवों को जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया उनको इनका बंद होना चाहिए, लेकिन ये बंद तो भजन नहीं करते। बताइए चौथे गुणस्थान में भी सबको नहीं बनती है, पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान में तो तीर्थंकर और आहार्य को क्या बोला आश्रम में, अबंद प्रकृति। 120 प्रकृति में से तीर्थंकर प्रकृति, आहारग्नि, आहारक और आहारक शरीर वाली जो दो प्रकृतियां है ना, आहारक शरीर संबंधी आहारग्नि, ये दोनों प्रकृतियां और एक तीर्थंकर, तीन प्रकृतियां अबंद प्रकृति है। इसका सम्यक का कारण नहीं है। अब सम्यक नहीं है तो जीव तो दो ही होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो क्या मिथ्या दर्शन का कारण है, तो वो भी नहीं कारण है। तो अशोका जी जब सम्यक दर्शन भी कारण नहीं है, मिथ्या दर्शन भी कारण नहीं है, और जीव तो सम्यक दृष्टि है मिथ्या दृष्टि है, तो इसका मतलब तीर्थंकर का प्रकृति का बन का कोई कारण नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जिनाकर में बात आई है तीर्थंकर प्रकृति के लिए जीव को बनते हैं, आज जो हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं वो तीर्थंकर प्रकृति मानदार उन तीर्थंकर परमात्माओं की कृपा है ना, उन्हीं की बहुत बहुत अपार कैसी है अकशाय करुणा है कि उन्होंने भव्य जीवों को इस संसार से पार उतरने का उपाय बताया। अरे उनकी तो भावना तीर्थंकर प्रकृति बनती उनकी है जो चाहते हैं कि संसार से सारे जीव कहाँ चले जाए, मोक्ष में चले जाए, अनंत काल के लिए सुखी हो जाए। तो जब मिथ्या तो सम्यक कारण नहीं है तो दूसरे पॉइंट पर क्या बताया उन्होंने, क्या संयम कारण है क्या? हाँ मुनिराज खुद बन सकते, संयमधारी मुनिराज है। तो आचार्य कहते नहीं, संयमों को भी सबको नहीं बनती है, क्योंकि संयम के गुणस्थान छठे गुणस्थान से लेकर ऊपर के गुणस्थान संयम होते हैं, और तीर्थंकर प्रकृति अगर ऊपर के गुणस्थानों में ले तो छठे सातवें और आठवें के छठे भाग तक बनती है, लेकिन सभी के नहीं बनती है, इसलिए संयम भी कारण नहीं। तो मिथ्यात्व कारण नहीं, असंयम कारण नहीं, तो क्या असंयम में तो बनती ही नहीं है, संयम भी कारण नहीं है, तो क्या कषाय कारण है क्या?
क्या कषाय का नहीं होना कारण है क्या? ऐसा भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि कषाय नहीं होती है दसवें गुणस्थान के बाद में किसी को बनती नहीं है, मतलब आठवें गुणस्थान के बाद में बनती नहीं है, तो क्या मंद कषाय कारण है क्या? मंद कषाय को राग का, क्या मंद कषाय को कारण लेना पड़ेगा? क्या मंद कषाय को कारण लेना पड़ेगा? मंद कषाय को राग का और मंद कषाय को कारण लेना पड़ेगा, लेकिन आचार्य वीरसेन इसको मना कर रहे हैं सर्वथा। मंद कषाय में उन्होंने कहा कि सर्वार्थ सिद्धि के विमान के जो देव होते हैं उनको मंद कषाय होती है। कौन सी होती है? मंद कषाय होती है, क्योंकि यहाँ पर अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन तीनों कषाय के सद्भाव में तीर्थंकर प्रकृति बन रही है। तो चौथे गुणस्थान में किसका उदय है? अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय का उदय है। पांचवें में कोष का है? प्रत्याख्यान वर्ण का। और छठे से ऊपर किसका? छठे से लेकर दसवें तक संजुलन कषाय का उदय है। तो मंद कषाय को भी आचार्य ने कहा कि यह तीर्थंकर प्रकृति बनने का कारण नहीं है। तीव्र कषाय के, तीव्र कषाय तो देखो नालकियों के मंद कषाय नहीं है, और तीव्र कषाय में भी तीर्थंकर प्रकृति बन रही, राजा श्रेणी के बन रहे, तीसरे नरक तक कषाय की तीव्रता है, तो कषाय की तीव्रता में भी बन रही है, कषाय की मंदता में भी बन रही है, तो कारण कुछ और होने चाहिए। तो आचार्य कहते हुए कारण अन्य है, और उनको नाम को गिनाने के लिए सूत्र है। यहाँ पर देखिए हम सूत्र को पढ़ते हैं, हम आगे का आज का सूत्र की उपासना का, आज का आपको खुला हुआ, आगे किसका पुस्तक खुली हुई? आज मेरी खुली है, मेरी भी खुली है। तो जरिए बताइए बताइए, पढ़िए आगे का पढ़िए, मैं अपनी खोलता हूँ पुस्तक। नाम बताने हैं, हाँ सूत्र है ना, आगे का सूत्र जो है 40वां सूत्र, 40 आपके पुस्तक है? मेरे पास में पुस्तक तो थी, अच्छा मैं खोल लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इनके नाम हिंदी में पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे? कमलेश जी पढ़ेंगे। कमलेश जी आप पढ़िए, दर्शन विशुद्धता, दर्शन विशुद्धता, दर्शन विशुद्धता, विनय संपन्नता, शील व्रतों में निरतिचारता, छह आवश्यकों में अपरिहीनता, क्षण लव प्रतिबोधन का, लब्धि संवेग संपन्नता, यथाशक्ति तप, साधुओं को प्रासुक परित्याग त्यागता, साधुओं की समाधि संधारणता, साधुओं की वैयावृत्त योग युक्तता, अरहंत भक्ति, बहुसुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, प्रवचन वत्सल्यता, प्रवचन प्रभावनता और अवीक्षण अवीक्षण ज्ञानोपयुक्तता, इन 16 कारणों से ही तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म को बांधते हैं। इस जो अभी पढ़ा कमलेश जी ने, उसमें दो बातें विशेष आई है, वो कौन बताए उर्मिला जी? जैसे अपने को जो 16 कारण भावना के नाम याद है, वह रत्नाकरण शावकाचार, और सबसे पहले तो उमा स्वामी ने जो छठे अध्याय में जो बताया ना, उस सूत्र के आधार से अपने को नाम याद है, 16 कारण भावना के नाम आए, तो सबसे पहले वहां पर ही आया, वहां पर बताया कि तीर्थंकर नाम कर्म जो है ये इसके जो है 16 कारण जो भावनाओं के नाम वहां पर आए, और यहां पर भी आए। दूसरा अपन ने विषय पढ़ रखा रत्नकरण शावकाचार में पढ़ रखा, उसको दोनों को ध्यान में रखते हुए क्या हमारे किसको पूछ रहा हूं मैं, एंड्रॉइड से आज कौन आ गए हमारे? अच्छा कोई बात नहीं, हाँ सभी लोगों ने पढ़ा है, नाम को पढ़ा है, कुछ दो बातें ध्यान में आई है, हाथ थोड़ा खड़ेंगे, दो बातें कौन सी नहीं है? देखो
एक बात तो आई है तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म, हर जगह बोलते हैं तीर्थंकर नाम कर्म, और यहाँ पर आचार्य लिखा क्या लिखा कमलेश जी, तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म। मैं इस बात पर किरण भाई साहब इसलिए बोल रहा हूँ कि गुरुदेव श्री हमेशा तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म कहते थे, और बहुत बहुत सालों तक तो लोगों को ये पता ही नहीं चलता था गुरुदेव श्री गोत्र कर्म तो अलग है और बस किसी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन ये बात मूल सूत्र में भूत बलि आचार्य ने तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म बंधन के कारण बताए। 16 कारण बताओ क्या, किस किस कर्म के? तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म के कारण बताए। दूसरी बात ये महाबंध में भी मिलती है कि तीर्थंकर नाम कर्म नहीं बोलकर तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म। तो प्रीति जी एक बात तो ये आई, दूसरी बात क्या यहाँ पर है, यहाँ पर आचार्य भक्ति का नाम नहीं आया। क्या आया है ना, आचार्य भक्ति का नाम नहीं आया, और एक नई भावना का नाम दिया जो अपन ने सुना नहीं था, उसका नाम है शरण लव प्रतिबोधनता। शरण लव प्रतिबोधनता, ये नाम इन्होंने आचार्य ने यहाँ पर दिया है। बाकी पंडा नाम तो वही है, क्रम में थोड़ा सा अंतर जरूर आया, क्रम में अंतर आया एक बार, दूसरा क्या अंतर आया, नाम में अंतर आया, शरण लव प्रतिबोधनता कौन सा नहीं ली, आचार्य भक्ति नहीं ली और बाकी को नहीं लिया है। तो देखिए आचार्य उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र इतना प्रसिद्ध हुआ कि उन्होंने कह दिया कि मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय और योग आश्रम के कारण है। तो अगर आप चार लिखो, प्रमाद नहीं लिखो, मिथ्यावृत्ति कषाय और योग, जो कि आचार्य कुंद भगवान ने, जो कि आपके जो पुराने जितने भी कार्तिक अनुप्रेक्षा वगैरह अन्य ग्रंथों में सब जगह मूलाचार सब जगह जो है कषाय केमन बंद ने आश्रयों के कारण मिथ्यात अवरति कषाय और योग का। और अगर प्रीति जी ये लिख दे तो प्रीति जी का जो फर्स्ट रैंक आने वाला था परमा का मान वो सेकंड हो जाएगा। भले बाद में प्रीति जी कहे कि मैंने तो जो है फर्स्ट रैंक आ रहा था, सब सही है, ये भी उत्तर सही है, लेकिन उन्होंने उमा स्वामी ने 5 बोले थे और प्रीति जी ने स्वाध्याय करके लिखा था, किसके आधार से लिखा था समझदार के आधार से लिखा कि नहीं चलेगा। उमा स्वामी के आचार्य के नाम जो इतना तत्वार्थ सूत्र इतना प्रसिद्ध हुआ कि वही की जो है उस तक सब जगह सही माने लगा, क्योंकि कोई अंतर नहीं है। शरण लव प्रतिबोधनता को भी उन्होंने सम्यक दर्शन की वृद्धि का अपन पढ़ेंगे इसके उसके अंदर कारण बताया। शरण लव, ये लव शब्द पंचाशी काय में भी आता है, शब्द का आता है पंचाशी काय में तीसरे अध्याय में आता है, वहां पर आता है सूक्ष्म लव, वहां कहते सूक्ष्म राग के लिए क्या है उन्होंने सूक्ष्म लव, वहां पर बात चल रही पर समय की, और यहाँ पर भी लव आया। ये क्षण और लव दोनों कालवाची है, क्या नाम है, क्षण और लव बोलते ना, हर क्षण लव, वो लव नहीं करना अंग्रेजी वाला लव मत करना, मतलब हर क्षण लव करने वाली बात भी आ रही है यहाँ पर, अपने आत्मा के प्रति लव लो तो हाँ, मतलब उसके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के प्रति हर समय सम्यक दृष्टि के प्रति बोधन, मतलब उसके ऊपर जो है एकाग्रता बढ़ती रहती है। तो ये यहाँ पर आए, अब इसकी टीका शुरू होती है जो हमारे मुकेश भाई साहब सूरत से पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, पढ़ो जी इस सूत्र का अर्थ कहते हैं मुकेश भाई साहब। हाँ जी, इस सूत्र का अर्थ कहते हैं वह इस प्रकार है, दर्शन विशुद्धता का नाम दर्शन विशुद्धता है, उस दर्शन विशुद्धता से जीव, अरे दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन है, उसकी उसकी विशुद्धता का नाम दर्शन विशुद्धता है, उस दर्शन विशुद्धता से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म को मानते हैं, 3 मूर्तों से रही और 8 मलों से वित्ती दिक्त जो सम्यक दर्शन भाव होता है। उसे दर्शन विशुद्धता कहते हैं, मिला आपको शंका केवल जी, उसे दर्शन विशुद्धता कहते हैं, दर्शन विशुद्धता कहते हैं शंका। तो इन्होंने सबसे पहले कितने सरल भाषा में बताई, ये आचार्य की शैली है कि जो जो एक एक शब्द आए, क्योंकि पहली भावना का नाम दर्शन विशुद्धि है, तो पहले शब्द का अर्थ बताएंगे। तो पहले तो उन्होंने बता दिया कि दर्शन का मतलब वो देखना, टू सीन ही लेना है, यहाँ पर श्रद्धा गुण की अपेक्षा से लिया।
दर्शन विशुद्धि के दो अर्थ होते हैं, एक श्रद्धा के अर्थ में लिया जाता है और एक दर्शन के अर्थ में लिया जाता है। प्रीति जी कहां पर आई बात? ये बात दो जगह आई है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आई है और नियम सार में आई है। अब आप ढूंढना कहां पर आई है, मतलब जहां पर ज्ञानोपयोग की बात आती है ना वहां पर आई है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी साहब ने लिखा है कि दर्शन के जिनागम में दो अर्थ आते हैं, एक जगह देखना है जो दर्शनावली कर्म के उसको संबंध को लेकर होता है ना, देखना जिसको अपन अंग्रेजी में बोले टू सी, और दूसरा दर्शन का मतलब श्रद्धा गुण और सम्यक दर्शन। फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या लिखा मुग्धा जी, कि जहां जहां मोक्ष मार्ग का प्रकरण हो, जहां जहां मोक्ष मार्ग की बात हो वहां पर दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन लेना, और जहां पर आगम की बात हो, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग की बात हो, जीव की बात हो, तो वहां पर आप लेना। मतलब मोक्ष मार्ग की बात हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, तो यहाँ पर पहले बताया कि दर्शन की लेना। लेकिन एक ध्यान रखना, दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन किया, लेकिन यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है वो सम्यक दर्शन का कारण नहीं, क्योंकि दर्शन नहीं कहा, दर्शन की विशुद्धता का। क्या कहा उन्होंने? दर्शन की विशुद्धता का। तो दर्शन की विशुद्धता का अर्थ यहाँ पर शायद सम्यक दर्शन भी नहीं है, क्योंकि कोई ये कहे कि वेदक सम्यक दृष्टि को चल मल और अघात तीन दोष लगे रहते हैं, वो भी केवल ज्ञान के काम में, उनकी परिभाषा बताते हैं अपने को, लेकिन वो दोष भी बड़े सूक्ष्म है, तो कहते वो दोष भी नहीं है। क्यों नहीं? तो क्या उसका अगर मानेंगे तो क्या कहना पड़ेगा कि वेदक सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, लेकिन वो बात सही नहीं है। मतलब वो भजनी है, होता भी है और नहीं भी होता है। वेदक सम्यक दृष्टि को कहां पर बंद हो रहा है तीर्थंकर प्रकृति का? तीसरे नरक में हो रहा है। तीसरे नरक में जो सम्यक दृष्टि है और तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध रहे हैं, वो क्या शायिक सम्यक दृष्टि है कि नहीं? वहां पर सब जो है वेदक सम्यक दृष्टि है, तो प्रपशम सम्यक दृष्टि, औपशमिक सम्यक दृष्टि भी होता है, उसके अंदर उनको वेदक सम्यक दर्शन हो जाता है। तो इसका मतलब दर्शन शुद्धता कोई अलग विशुद्धि है, कोई अलग विशुद्धि है, लेकिन बताया कैसे? यहाँ पर बताया तो वही है, 25 दोष के जो सम्यक दर्शन के जो अतिचार है वो नहीं लगाए, है ना, 8 मदों से रहित हो, है ना, 8 अंगों से सहित हो। अब ये अगर परिभाषा ले मुग्धा जी, तो ये तो निशंकित अंक की भी परिभाषा यही है। आप निशंकित अंक को पढ़ो तो उसमें भी यही बताया जाएगा कि 25 दोषों से रहित है और 8 मदों से जिसमें आ जाते हैं, 8 मद से यही बात बताए जाते हैं। सम्यक दृष्टि की बात बताते हैं ये 25 मलों से रहित है। तो देखो 25 मल का नाम आचार्य को क्यों लेना पड़ा, कि उनको दर्शन विशुद्धता विशुद्धता शब्द को समझाना पड़ता है, और विशुद्धता शब्द का अर्थ होता है मल रहित। लेकिन ये मल रहित तो निशंकित अंग वालों को भी यही रंग होता है। इसका मतलब क्या है कि यह विशुद्धि कुछ और अलग है। तो आप बोलते हैं कि सब जगह समझाया तो इसी तरह से जाता है, प्रीति जी समझाया तो यही जाता है, रत्नकरण शौकाचार्य में भी समझाया है, सब जगह यही समझाया जाता है, फिर तो क्या अंतर हो सकता है? तो इसका उत्तर यह है, जो आप उत्तम आर्य धर्म पर पढ़ने वाले हैं, मन में हो सो वचन में, क्या था, मन में वचन में लाना और वचन में हो सो वो काय में लाना, ठीक है ना? तो क्या मतलब हुआ, मन में किसी को चाटा मारने का भाव आए तो मुंह से बोलना कि भैया मैं आर्य धर्म का पालन करते हुए तुम्हें बोलता हूँ कि मैं तुम्हें अभी चाटा मारूंगा, और अभी भी पूरा आर्य धर्म नहीं हुआ है मुकेश भाई, मैंने हाथ से उसको चाटा मार दिया है ना, मेरा आर्य धर्म की पूरी हो गई, बोलो आर्य धर्म की जय, मन में हो सो वचन में, वचन में हो सो काय में, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन पूजा में लिखा है, परिभाषा में लिखा है मन में हो सो वचन में होए। तो देखो हमने आपको बताया था दो चीज होती है, एक होता है समझाना, एक क्या होता है समझाना, और एक होता है निर्दोष परिभाषा जो लक्षण बनाई जा सके। तो ये परिभाषा दर्शन विशुद्धि की भी निर्दोष नहीं है, जैसे अपन हर जगह लक्षण मानने का ना, तो आर्य धर्म की ये परिभाषा नहीं बन सकती कि जो मन में हो जो वचन हो, क्योंकि तो जिनके पास में मन नहीं है, ऐसे असंगी जितने भी जीव है वे सब आर्य धर्म के धनी हो जाएंगे। सिद्ध भगवान के पास में मन नहीं, वचन नहीं है, काय नहीं है, तो वो भी आर्य धर्म के धनी हो जाएंगे। तो ये परिभाषा सही नहीं है, ये परिभाषा सही नहीं है। लेकिन ये परिभाषा क्यों बताई है? समझाने के लिए कि दर्शन विशुद्धि क्या होती है, समझने वाले कौन है कि हम है। और जिनागम में ये भी लिखा है कि जो चल मल अघाट दोष है वे भी छदमस्त के ज्ञान के विषय नहीं है, केवली गम्य विषय है।
समझा कैसे जा सकता है। शांतिनाथ भगवान शांति करे, शीतलनाथ भगवान शीतल करे, बोलो शांतिनाथ भगवान की जय, बोलो शीतलनाथ भगवान की जय, है ना। ये सब चलमल आधार के दोष में ऐसे ऐसे उदाहरण कर कर समझाए जाते हैं। उदाहरण समझाने के लिए कहते हैं उदाहरण पूर्ण देश नहीं होता, सत्य नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर कहना कि दर्शन विशुद्धि का मतलब है कि सम्यक दृष्टि के एक विशुद्धि जिसमें उसका संयम होना नहीं होना ऐसा कोई नियामक कारण नहीं है, कुछ अलग प्रकार की विशुद्धि है। और गुरुदेव जी की भाषा में कहे तो उसका धर्म ध्यान जो है धर्म है ना, कौन सा अपाय नाम का जो धर्म ध्यान है जिसके अंदर वो ऐसी भावना बांटे हैं कि बद्धा जीव सुखी हो जाओ, मतलब सभी जीव जो ना सुखी हो जाए, ऐसी ये दर्शन विशुद्धि भावना है। अपना समय हो गया, थोड़ा और पढ़ेंगे अपन, अपने स्वाध्याय का समय हो चुका है। हाँ, आगे पढ़िए, पढ़ो एक प्रश्न शंका पढ़ लेते, पढ़ो मुकेश जी। केवल शंका, केवल उस एक दर्शन विशुद्धता से ही तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कैसे संभव है, क्योंकि ऐसा होने पर सब समय दृष्टियों के तीर्थंकर नाम कर्म के बंध का प्रसंग आएगा। समाधान, इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि शुद्ध नय के अभिप्राय से तीन मूलताओं को आठ मूलों को भिन्न भिन्न जीवों के द्वारा दर्शन विशुद्धि नहीं होती है। प्रीति जी, आपको ये वाक्य 10 बार पढ़ना है आज, आपको इसलिए पढ़ना है 10 बार, बोलना नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पर कि इनसे भी दर्शन विशुद्धता नहीं होती है। और परीक्षा में आपको क्या लिखना पड़ेगा दर्शन विशुद्धि की भावना में कि इन बोलों से रही दर्शन विशुद्धि होती है। अब बोलो धवला जी नहीं पढ़ो, धवला जी का स्वाध्याय नहीं करे, वीरसेन आचार्य, एक भी चीज यहाँ पर आशा बहन कठिन नहीं है। पहले स्वयं बोला किसने, आचार्य ने दर्शन विशुद्धि की परिभाषा में ऊपर पहले बोला, और जो शंका में कहा तो केवल इससे जो है ये मतलब नहीं है, 25 दोष नहीं है तो दर्शन विशुद्धि हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा होने पर क्या होगा, इससे ये तो निशंकित अंग है और निशंकित अंग वाले सभी को जो है तीर्थंकर प्रकृति का बंद होना चाहिए। इसका मतलब क्या, कोई और विशेष कारण है। कैसी कैसी सुंदर बातें धवला जी में आई है जो वीरसेन आचार्य के स्वाध्याय। किरण जी भाई साहब, ये बात तो हमको कि देखो हमारा स्वाध्याय कितना ऊपर के लेवल का चलता है, हेलीकॉप्टर व्यू ऊपर से चलता रहता है। और धवला को कठिन है शैवशम बढ़ाने का विषय है यह कहकर पढ़ा ही नहीं जाता है। और कितना सरल आशा में कुछ कठिन लग रहा है, बल्कि इतना नहीं कि दर्शन सम्यक दर्शन कहते हैं, उसकी विशुद्धि कहते हैं, परिभाषा बताई, और शंका के कारण, क्योंकि ये शंका उठनी चाहिए। मुकेश जी भाई साहब, ये किताब तो वास्तव में बाल बोध पाठमाला है, जहां पर 16 कारण भावना पढ़ाई जाए तो उसके हिसाब से आप पढ़ा सकते हैं। कितनी सरल बात बताई है कि इसका कारण क्या है कि कोई अलग जाति की, जैसे कहते हैं ना तीसरा गुणस्थान कौन सा है, जाति अंतर, न सम्यक है न मिथ्यात्व है, दही में गुण मिलाए जैसे कोई जाति अंतर भाव होता है। तो ये दर्शन विशुद्धि के साथ में जो विशुद्धि शब्द है, हाँ सम्यक दृष्टि को होती है लेकिन कोई अलग ही विशुद्धि है। उषा जी देखिए यहाँ पर लिखा, विद्या आचार्य लिख रहे हैं शुद्ध नहीं के अभिप्राय से, मतलब आज तक जो आप जो लिखते हैं उत्तर वो अशुद्ध नहीं से लिखते हैं। प्रीति जी आप कौन से नहीं से लिखते हैं, अगर शुद्ध नहीं से बात करें तो ये बात गलत है। तो बात तो दोनों नहीं से होती है, जिनवाणी में शुद्ध नहीं से भी है अशुद्ध नहीं से, लेकिन हमारी हमारी कहां गलती हो रही थी कि हम उसको शुद्ध नहीं का बात समझते, बात कर रहे थे शुद्धता की, इसलिए हम शुद्ध नहीं को कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, अशुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं के अभिप्राय से ये बात सही नहीं है। 8 बलों से भिन्न जीवों द्वारा ही दर्शन विशुद्धि नहीं होती, भी नहीं लिखा, मतलब केवल इतना ऐसे ही नहीं होगी किंतु पूर्वोक्त गुणों से अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर स्थित सम्यक दर्शन की साधुओं की प्रासुपत्यागता, साधु की समाधि धारणा, साधु की वैयावृत्ति का संयोग, अनंत भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति, प्रवचन भक्ति, वचन प्रसन्नता, अपने वचन द्वारा प्रवचन की भावना करना और अभिक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता में प्रवर्तन का नाम विशुद्धता है। उस एक ही दर्शन शुद्धि से जीव तीर्थंकर कर्म को बांधते हैं।
इसकी चर्चा हम कल करने वाले हैं। मतलब विशुद्धता सम्यक दर्शन में क्या कारण से आते, कहीं नहीं मिलेगा ये वर्णन। दर्शन विशुद्धि में तो सम्यक दर्शन में विशुद्धता किस कारण से आते हैं वो बात वीरकेन आचार्य ने शंका में ली है, और ज्ञानमती माता जी ने उनकी जो धवला टीका में उन्होंने लिखी ना, धवला पट्टिका लिखी है, उसमें इस बात का बहुत अच्छा खुलासा, उसका खुलासा किया इसी शंका को लेकर। यही लिखा है क्या उषा जी, क्या बोला मैंने, दर्शन विशुद्धता में विशुद्धता जो अपन बोलते हैं ना 25 मन से रही वाली बोलते हैं कि वो बात को समझाने के लिए है, क्योंकि जैसे ना उसकी बात को बताया। प्रीति जी ने ऊपर समय देख लिया है और मैंने भी देख लिया है अपना स्वाध्याय का, मैंने देखा प्रीति जी आपका समय देख लिया है, मुझे बराबर ध्यान है, अपन आधा सेकेंड जो है डिले हुए है अपना जो धवला पुस्तक 3 का स्वाध्याय का हुआ है। किरण जी भाई साहब मंगलाचरण करिए तीसरी पुस्तक का। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। केवल नानुचो इय छद्दव मणिंजि जयं पवाई नमि उनजिनं बणीमो दव्वणि ओकं गण्यसारं, दव्वणि ओकं गण्यसारं। ओम नमः। धवला पुस्तक 3 और हमारी मार्गणा आज से नई मार्गणा काय मार्गणा तक हमारा यहाँ पर स्वाध्याय हो चुका है। वास्तव में देखा जाए तो धवला पुस्तक 3 लगभग समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अगर हम डॉक्टर उज्ज्वला जी के इस पर प्रवचन की बात देखें तो कुल 8-9 प्रवचन और बचे हैं। कितने बचे हैं? 8-9 प्रवचन बचे, मतलब 8-9 दिनों के अंदर उन्होंने धवला पुस्तक 3 को समाप्त कर दिया। लेकिन अपने को थोड़ा समय लगेगा, लेकिन निश्चित है कि अक्टूबर आने से पहले पहले अपनी चौथी पुस्तक यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी। अभी आज से कौन सी मार्गणा शुरू करनी है? योग मार्गणा शुरू करनी है। कौन सी करनी है? योग मार्गणा शुरू। आप लोग अन्य जगह भी स्वाध्याय कर रहे हैं तो योग मार्गणा के भेद बताएंगे, कौन बताएंगे योग मार्गणा के? बताइए प्रीति, बताइए प्रीति जी, बता रहे हैं बताइए। मिथ्यात्व के 5 भेद है, अविरति के 12, कषाय 25 और योग के 15, ऐसे मिला के 57 भेद है। आश्रव के हो गए, आप बहुत बहुत नहीं थोड़ा गलत नहीं, योग के पता थी 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय के, थोड़ा रुकना पड़ेगा, मिक्स हो गया। कारण क्या है कि हर जगह योग के, योग मारणा के 15 भेद किए जा रहे हैं, हर जगह 4 मनोयोग के, 4 वचन योग के और 7 काय योग के, 15 योग के भेद होते हैं, ये हर जगह किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है योग मार्गणा के भेद है। वास्तव में योग मार्गणा के 15 नहीं 16 भेद होते हैं, एक ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना ये बात ये, और आप देख लेना क्या कि योग जो मैं बोल रहा हूँ ना ये बिल्कुल पुष्पदंत आचार्य की बात है, और मेरे साथ में कल्पना बहन जी ने भी बराबर उनके प्रवचन बराबर आता है, गति 4 नहीं, गति मार्गणा के 5 भेद है, मार्गणा के 5 नहीं 6 भेद है, योग मार्गणा के 15 नहीं 16 भेद है। तो आप लोग सब जो धवला जी का साध्या कर रहे हैं कि योग के कितने भेद है, कि योग 3 प्रकार के होते हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग, तत्वांतर का स्वाध्याय कर रहे हैं, और मन योग के 4 भेद, वचन योग के 4 भेद और काय योग के 7 भेद, तो योग के 15 भेद होते हैं। लेकिन योग मार्गणा के अंजना जी 16 भेद होते हैं। क्यों होते हैं? मार्गणा का अर्थ होता है जीवों को ढूंढना, और सिद्ध भगवान सबसे महान जीव है और आप उनको नहीं गिने तो मार्गणा क्या की? अकाय है, क्या की? अयोगी, अयोगी, मतलब लेंगे तो अयोगी लेना पड़ेगा, अयोगी। और अयोग में एक बात है कि केवल सिद्ध भगवान नहीं है, 14 गुण स्थान वाले जीव भी अयोगी है। तो अगर आपने 15 भेद किए तो आपने किसको जोड़ दिया? कि जो मोक्ष में जाने वालों को छोड़ दिया, मतलब आपको मोक्ष में जाने की भावना कहाँ है? आप बोलो मैं जीव हूँ, मुझमें ज्ञान है, मुझे मोक्ष में जाना है, ताली बजाकर बोलो। लेकिन आपने 14 गुण स्थान वाले जो मोक्ष में जा रहे हैं उनको नहीं किया, शिखर जी जा रहे हैं नहीं किए, तो आपने कहा शिखर जी के आपको सिद्ध भगवान को छोड़ना है? 14 गुण स्थान भी छोड़ दिया नहीं, अयोग केवली भी आएगा योग मार्गणा में, अयोग केवली सिद्ध भगवान के साथ आएगा। यहाँ पर अयोग केवली और सिद्ध भगवान का एक रूप है, यहाँ गुणस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना?
तो योग के कितने भेद है आश्रम में? सामान्य से तीन, मन योग, वचन योग और काय योग। मैं अंजना जी आपके लिए बोल रहा हूँ, मन योग के तीन भेद बोलेंगे सामान्य से, बाल बोध पाठ वाला एक, मन योग, वचन योग और काय योग। तत्व ज्ञान पाठ वाला में आगे बढ़े तो क्या बोलेंगे? मन योग के चार, वचन योग के चार और काय योग के सात। अभी हम नाम बोलने वाले हैं सब। तो ये कितने हो गए? 15 भेद होते हैं। और ये 15 योग कहाँ पर आए? अपने कहाँ गए? चक्रवर्ती जिंजीता आश्रम 15 योग, जो 57 भेद बताए ना, वहां पर भी 15 योग की बात आती है। मतलब जहां पर भी आती है 15 योग की बात, कई जगह जिनागम में आती है। योग मार्गणा में भेद किए कितने किए? 16 किए। कितने किए? 16 किए। लेकिन अब जो सूत्र की रचना की है उसमें उन्होंने चार योगनी पांच मनोयोग लिए, चार। फिर आपको पूछेंगे, जैसे अपने को आप जब विधान करेंगे क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो ये बातें तो धौला जी में आई है कि मनोयोग तो चार होते हैं और आश्रम में आप पांच मनोयोग बोल रहे हैं, फिर आपको बोलना पड़ेगा कि कैसे हो गए। वचन योग चार होते हैं और आप तो बोल रहे हैं पांच बोल रहे हैं, तो लोग तो आपको बोलेंगे गलत बोल रहे हैं कि नहीं हम गलत नहीं बोल रहे हैं, आपको समझाना पड़ेगा। और वो कैसे समझाएंगे बताओ, आश्रम में कैसे समझाएंगे? हमने दूसरी पुस्तक के प्रारंभ में क्या पढ़ा था? 14 गुणस्थानों और 14 मार्गणाओं में जिन जीवों का अस्तित्व जान लिया है उसका ही अब आचार्य वीर से 20 प्ररूपणा के द्वारा पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषण से विशेषित कर विषय को खुलासा करते। मतलब सारा विषय किससे हुआ? पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषण लगाकर बताया। कौन सा विशेषण बताया? पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषण। जब अपन पहला सूत्र का अपन ने किया था, संप्रमणा का विधान का किया था ना, आपको याद है ना, योग मार्गणा में 47 सूत्र चले थे पर्याप्त और अपर्याप्त की चढ़ाए थे, 47 अभी चढ़ाए थे अपन ने, बहुत था योग मार्गणा में। वहां पर पर्याप्त और अपर्याप्त आएगा, पर्याप्त और अपर्याप्त को विशेषण को लेकर आए मार्गण। मतलब पर्याप्त और योग मार्गणा के पहले पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषण लेकर कितने आए थे? क्या बोला था? छह पद्धतियों, पंच पद्धतियों, पंच अपद्धतियों, चार अपद्धतियों, मतलब कितने सूत्र वहां पर हमने पढ़े थे। तो पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषण से किया, तो मनोयोग के कैसे हो गए? पांच हो गए। मनोयोग के कितने हो गए? पांच हो गए। वचन योग के पांच हो गए और काय योग के आठ हो गए। काय योग कितने हो गए? आठ हो गए। कितने हो गए? जिसमें कौन से आठ हो गए आश्रम में? काय योग के साथ बता सकते हैं, आश्रम में बता सकते हैं, कोई बात नहीं। अपन शुरू करेंगे, याद अपन किसके बात करें? काय योग सबसे पहले करेंगे। हमारे कौन सा? औदारिक काय योग, औदारिक कौन सा बोलेंगे? वैकल्पिक लेंगे, देव और नारकी होता है, वैकल्पिक काय योग और वैकल्पिक मिश्र काय योग। कितने हो गए? चार हो गए। फिर कौन सा लेंगे? आहारक द्वीप लेंगे, आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय। कितने हो गए? छह। और कार्बन काय सात भेद में अपन ने कह दिया अकाय, क्या क्या अकाय बना, काय योग वाला नहीं है, सात काय में सामान्य काय, अकाय नहीं रहे पर सामान्य काय लेना, मतलब काय योग के साथ में एक सामान्य काय जिसमें सातों भेद गर्भित है उसको कहेंगे सामान्य काय। तो कितने भेद हो जाएंगे? आठ। अब इन भेदों को और जो अपन ने चार चार बताए भेद, दोनों जगह शब्द भेद आ रहा है, दोनों में क्या अंतर है? अंतर है देखो, एक बोले थे अपन ने मार्गणा के भेद, मार्गणा के भेद को और बोलेंगे प्रभेद, भेद प्रभेद और आलाप, तीन शब्द ध्यान रखना, नहीं तो आप हमेशा प्रीति जी अच्छे अच्छे आपको जो करेंगे जब आप देंगे परीक्षा में तो वही लिखना जो आपको पढ़ाया जाता है, गति मार्गणा के चार भेद है लेकिन मन में सुनना गलत है क्योंकि पांच मार्ग है। तो अंतर क्या है? भेद प्रभेद और आला, भेद प्रभेद आला। गति के कितने भेद होते हैं? चार प्रकार की होती है, नर गति, मनुष्य गति, तिरंज गति, ये होती है। लेकिन उनके प्रभेद करेंगे ना, प्रभेद करेंगे आगे तो वो भेद में उनको लेना पड़ेगा। आलाप में क्या लेना पड़ेगा? पर्याप्त, सामान्य और अपर्याप्त। तो सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त तीनों भेद लगाने पड़ेंगे। जैसे आशा में तिरंज में कैसे लगाते थे? सामान्य तिरंज, बोलो आगे बोलो बोलो, सामान्य तिरंज, अपर्याप्त तिरंज, सामान्य तिरंज, पर्याप्त
हाँ पर्याप्त नहीं, केवल उन्होंने योनि नहीं लिया, फिर क्या बोला आज थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट वो बोल रहे हैं ना, सुनो हाँ बोलो बोलो। सामान्य तिरियंज, सामान्य तिरियंज, पंचेंद्रिय तिरियंज, पंचेंद्रिय तिरियंज, पंचेंद्रिय पर्याप्त, पंचेंद्रिय पर्याप्त, पर्याप्त तिरियंज, तिरियंज योनि लब्ध पर्याप्त तिरियंज, लब्ध पर्याप्त तिरियंज। बोलिए उर्मिला जी, तिरियंज के पांच भेद, ये तो आपको राकेश जी ने पूछा था, आप क्वेश्चन भूल कैसे सकते हैं। सामान्य त्रियंज, पंचेंद्रिय त्रियंज, पंचेंद्रिय पर्याप्त, पंचेंद्रिय योनि और लब्ध पर्याप्त। तो यहाँ पर सामान्य, अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मनोयोग की बात कर रहे हैं, तो मनोयोग के चार वेद उषा जी बताएंगे कौन से चार वेद है। सत्य मनोयोग, बोलो सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, ये चार हो गए। और आपने यहाँ लिया एक, ले लिया सामान्य, ले लिया तो मनोयोग के पांच भेद हो गए। इसी प्रकार सत्य के भी साथ लेंगे, क्या लेंगे, सत्य सामान्य वचन योग, असत्य वचन योग, असत्य वचन योग, अनुभय अनुभव वचन योग। देखो अपन उभय अनुभय बोलते हैं, यहाँ पर पड़ेंगे मृषा अमृषा जो बताएगा वो लेना पड़ेगा, लेकिन अपने शब्द वही याद रखना क्योंकि वही है सत्य असत्य उभय और अनुभय और सामान्य लेना। अब मैंने आपसे कहा था कि ये जो आलाप के भेद बताए इसमें पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषण थे, तो काय मार्गणा में कौन कौन से अपर्याप्त संबंधित, काय मतलब योग मार्गणा में कौन से मनोयोग वचन योग, काय योग, काय योग में कौन कौन से अपर्याप्त वाले, जैसे औदारिक मिश्र पर्याप्त वाला है या अपर्याप्त वाला है, पर्याप्त वाला, और कौन से पाए जाते हैं पर्याप्त अवस्था में अशोक जी, वैकृत मिश्र भी पाए जाते हैं ना, जाता है तो वहाँ पर पर्याप्त भी आ गए, पर्याप्त भी आ गए, और हमने सामान्य भी ले लिया कि सामान्य काय भी ले लिया, अपर्याप्त क्यों छोड़ा, मनोयोग और वचन योग में अपर्याप्त को क्यों छोड़ा, पर्याप्त होने के बाद ही मनोयोग होता है, क्यों छोड़ा, जब तक अवस्था में मन और वचन नहीं होता, नहीं छोड़ा क्योंकि वो मनोयोग और वचन योग पर्याप्त अवस्था में होते हैं, ममता जी ने बोला था पर्याप्त अवस्था में ही होते हैं जीते थे ना, है ना, तो मनोयोग और वचन योग को क्यों नहीं लिया, तो आपके पर्याप्त पर्याप्त करना पर्याप्त नाम पाए नहीं है, अरे मनोयोग और वचन योग होंगे पर्याप्त अवस्था में, शरीर पर्याप्ति होने के बाद ही अपन जब प्राण गिनाए थे ना अपर्याप्त के, कौन कौन से गिनाए थे, 10 प्राण, 7 प्राण, 9 प्राण, 7 प्राण, आगे किसको याद है, 5 6 प्राण, 4 प्राण, ऐसा नहीं है, कल पूछेंगे योग मार्गदर्शन चल रही ना अपने दूसरे माने वाले आज, ठीक है ना, तो आप लोग याद करना थोड़ा दिन भूल गए थे अपन, तो आज अपन इसको योग मार्गणा के थोड़ा जो है विषय को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं यहाँ पर आगे, चलिए मधु जी शुरू कीजिए। योग मार्गणा के अनुवाद से पांच मनोयोगियों और तीन वचन योगियों में मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं, देवों के संख्यात में भाग हैं, योगानुवाद पंचम वचनोगी जुसु मिथ्या इट्टीस दब पमानेन केवड़िया देवानम असंख्येज्य दि भागो। अब बोलिए आप ये निमस्य कहाँ गए हमारे, नाम नहीं दिख रहा मुझे, बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए, आप सूत्र को पाठ पढ़िए। योगाणु वादेन पंच पंचमण जोगी तिन्निनव जी जोगीसु मिच्छा इट्ठी दव पमाणेन केवड़िया देवाणम संखेज्य दिभागो। हिंदी में पढ़ लीजिए। योग मार्गणा के अनुवाद से पांच मनोयोगियों
और तीन वचन योगियों में मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं? देवों के असंख्यातवें भाग हैं। देखो अभी योग मार्गणा शुरू हो गई है, योग मार्गणा के भेद तो सब प्रॉब्लम बता दिए, तीनों ने पांच मनोयोग और तीन वचन योग लिए, तो एक होता वचन योग चार होते हैं उन्होंने तीन लिए, और मनोयोग चार होते हैं उन्होंने पांच लिए, तो ये क्या कारण है कि देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर मनोयोग भी पांच है और वचन योग भी पांच है, क्योंकि सामान्य को भी लिया है दोनों जगह, लेकिन मनोयोग में तो उन्होंने पांचों को लिया है, वचन योग में उन्होंने अनुभव वचन योग और सामान्य वचन योग को नहीं लिया है और बाकी तीन को लिया है, मतलब कौन सा लिया है, सत्य वचन योग को लिया है, असत्य वचन योग को लिया है और उभय वचन योग को, ये तीन वचन योगी क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि पांच मनोयोगी और तीन वचन योगी ये जीव कितने हैं, क्योंकि ये तो दृढ़ प्रमाण अनुगम चल रहा है, तो यहाँ पर पूछेंगे जीव कितने हैं, तो क्या बताया, क्या उत्तर दिया, कितने देव हैं उसके असंख्यात में भाग है, जबकि मन में तो संगी मनुष्य भी संगी होते हैं उनके मन पाया जाता है, नानकी भी संगी होते हैं, देवता भी सभी संगी होते हैं, तो जब मनोयोगी है तब तो कम से बोला कि सारे देवता सारे मनुष्य सारे सबके मन पाया जाता है, संगी मार्गणा के देखेंगे तो सभी के पाया जाता है, तो फिर ये देवों के भी असंख्यात में भाग क्यों कह रहे हैं, उनके संख्यात में भाग है, क्यों क्यों सभी की कहना चाहिए ना, अरे कोई ऐसा देवता कोई ऐसा मनुष्य है जिसके कोई मन नहीं है, कोई ऐसा नारकी है जिसके मन नहीं है, कोई ऐसा देवता जिसके मन नहीं है, सभी संगी है, तीरंजों में भेद है संगी असंगी के, लेकिन ये तो मनुष्य को छोड़ दिया कोई बात नहीं, वो भी हम पंचम काल, लेकिन इन्होंने यू पे लिखा कि देवों के संख्या से भाग है, लोग पूरे देव भी नहीं लिए पूरे आश्रम में, क्योंकि देवों की संख्या सबसे ज्यादा होती है मनोयोगी में, देवों की संख्या ज्यादा होती है। अरे मैं पूछूं कि मन किस किसके गति में जाता है, जब देव गति के सारे मन वाले हैं, मनुष्य गति वाले मन वाले, नारकी सब मन वाले हैं, नारकी भी असंख्यात है, देव भी असंख्यात है और मनुष्य में अपने आप को छोड़ दो संख्यात है, तो वो तो यहाँ पर अपन उनको नहीं ले सकते, ठीक है ना, लब्ध अपने आप को नहीं ले सकते, तो संख्यात मनुष्य है तो इतने लेने चाहिए, तो आचार्य तो बोलते पूरे देव भी नहीं ले, देवों के संख्यात भाग है, क्योंकि और उसमें संख्यात में भाग का मतलब उसमें उसे उसका भाग भाग देने का, जितने आएंगे उतने ही तीनों मनोयोगी वचन योगी है, संयोगियों के ही होते हैं संगियों के लिए। हाँ बोले आप बोलो, देखो सोच के बोलो, ऐसे कुछ भी थोड़े थोड़े बोल देना, तीन लोगों के जीव देवों से भी कम है, जीव देवों से भी कम है इसलिए देवों की संख्या नहीं, कैसे तीन गति के जीव से कैसे कम है, तीरंजो से तीरंजो वाली बात आएगी, तीरंज गति के जीव जो है ना, तीरंज गति में केवल मिथ्या दृष्टियों की बात चल रही है, मिथ्या दृष्टियों के लिए पूछ रहे हैं, संगी चल रही है, संगी होंगे वो, मिथ्या दृष्टि में संख्या है, संगी लिए, अरे छोड़ो जी, तो मिथ्या दृष्टि उन्होंने देवों का सारे मिथ्या दृष्टियों के माने, देवों का संख्या तो भाग का है, देवों का संख्या तो भाग का संख्या का मतलब क्या, सारे देव नहीं सारे मिथ्या दृष्टि नहीं सारे देव के नहीं, देखो एक बात ध्यान रखना आप इसको, संगी पंचेंद्रिय की बात है, संगी जी है कि यहाँ पर जो मन योगियों की संख्या निकालनी है तो हमेशा मनोयोग नहीं चलता था, मन होना संगी मार्गणा का विषय है, मन है या नहीं है ये संगी मार्गणा का विषय है, लेकिन यहाँ पर मन योग वचन योग और काय योग की बात है, तो देवताओं के मन है लेकिन हर समय मनोयोग का व्यापार नहीं होता है, मन से वचन वचन से काय योग पलटता रहता है, योग काल पलटता रहता है, अब यहाँ पर सारी योग मार्गणा में जो संख्या की बात आएगी वो योग काल को लेकर बात आएगी कि कितने काल तक मनोयोग होता है, कितने काल तक वचन योग होता है, कितने काल तक काय योग होता है, इसको आधार बनाकर यहाँ पर संख्या को गिनाने वाले हैं, ठीक है ना, तो इन्होंने एक बात बताया कि मिथ्या दृष्टि देव कितने हैं कि उनके संख्या से भाग परमात्मा ने बताया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तीन ही वचन योगियों का संग्रह किस लिए किया है, वही प्रश्न आगे, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि वचन योगियों और अनुभव योगियों वचन योगियों के साथ इन तीन वचन योगियों की
या लाभ के प्रति समानता नहीं पाई जाती है। समान ये क्या होता है, द्रव्य लाभ कौन सा होता है? ये द्रव्य लाभ क्या होता है? जो जीभ टाळू आदि से शब्द निकलते हैं वो द्रव्य लाभ। यहाँ पर संख्या द्रव्य लाभ का, द्रव्य का मतलब लेना संख्या, या द्रव्य का मतलब वो नहीं लेना, मतलब संख्या की समानता नहीं पाई जाती। मतलब एक आलाप का मतलब कथन, द्रव्य का मतलब संख्या, की संख्या का कथन कि अगर हम अनुभवी को ले ले और सामान्य को ले ले तो जो पांच मनोयोगी और जो तीन वचन योगी की जो संख्या की अपेक्षा समान है, जो जैसे कहते हैं ना अपन बोलते हैं सासाधान गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान, चौथे गुणस्थान, पांचवें पल्ले के असंख्या पे भाग, तो संख्या की अपेक्षा जो समानता है तो हम कहते हैं ओग है। यहाँ पर शब्द क्या प्रयोग किया, द्रव्यालाप। आलाप कहते हैं कथन को, कहने को, और द्रव्य प्रमाण चल रहा कथन, तो उन दो को क्यों अलग किया? इसका उदाहरण मैं बताता हूँ, सर्वार्थ सिद्धि के देवों को पांच अनुसर से अलग क्यों किया आशमैन, क्योंकि विजय वेजन जयंत और अपराजित इन चार विमानों में असंख्या देव है और सर्वार्थ सिद्धि में संख्या कितने हैं कि मनुष्य से तीन या चार, तीन या सात गुने है ना, वो बताया था ना, मतलब तीन सात गुने, तो किस लिए अलग किया था? लेकिन जब तत्वार सूत्र करेंगे तो कैसे करेंगे, नव ग्रह, नव अनुदेश, पांच अनुत्तर, ऐसे भेद करेंगे। लेकिन तीसरी पुस्तक में पांच अनुत्तर में कितने अनुत्तर लिए, चार अनुत्तर एक लिया और सर्वार सिद्धि का अलग किया। जो क्या अलग किया, पांच मनोयोगी और तीन वचन योगी क्यों लिए, क्योंकि बाकी दो योग लेने पर उनके साथ में द्रव्य आलाप की संगति नहीं बैठती है, मतलब उनकी संख्या के बराबर नहीं होती है, संख्या समवाय नहीं हो सकता है, संख्या की समानता नहीं हो सकती है, इसलिए हमने उसको अलग से सूत्र कहा। ये बात उन्होंने यहाँ पर बताई है। चलो आगे बढ़ेंगे। समान आलापों का ही एक योग होता है, भिन्न आलापों का नहीं। देवों का द्रव्य काल और क्षेत्र की अपेक्षा जो प्रमाण पहले कह आए हैं उन उसके असंख्यात्वे भाग इन आठ राशियों का प्रमाण है, क्योंकि असंख्यात्वे भाग इन आठ राशियों का प्रमाण है। तो देव की राशि कितना कह क्या है उषा दोषी, पनट्टी प्रमाण प्रतरांगुल, याद रखो एक अवार काल कितना था, पनट्टी प्रमाण प्रतरांगुल, जगत पत्र को पनट्टी प्रमाण प्रतरांगुल को भाग देने पर क्या था, गाथा याद है मुग्धा जी, बेसत छप्पन अंगुल कदेहित पदरस, याद की थी आपने तो मुग्धा जी, भूल गए। तीन बने गाथा, इसका मतलब अपने स्वाध्याय किया, प्रतिज्ञा जी ने कहा था आप लोग आकर्षण चर्चा लेके अभी चढ़ाएंगे तो वो तीन गाथाएं बराबर बोलेंगे। आशा बहन आप लोगों ने प्रतिज्ञा ली, दस लक्षण पर्व आ रहे हैं, प्रतिज्ञा भंग करना तो नहीं चाहिए। हमने कहा था अगर अपने स्वाध्याय का धवला में कोई भी याद रहे नहीं रहे, लेकिन धवला पुस्तक तीन का स्वाध्याय किया है तो आप कृत्रिम कृत्रिम चैत्यालयों का आगे चढ़ाए तो हिंदी में ही बोल लेना कि ज्योतिषी और वेंकट देवों के असंख्या चैत्यालय में तो 8,56,17,481 का आगे चढ़ा रहे हैं। फिर मैंने ये भी बताया था कि ज्योतिष का कथन चैत्यालय कितने हैं, कि जगत पत्र को प्रमाण पत्रांगुल या 256 अंगुल का वर्ग का भाग देने पर ज्योतिषी देवों की संख्या आती है और तीन चार को संख्या ज्योतिषी के बीच में एक अकृत्रिम चैत्यालय है, उनमें 108 विराजमान है, उन सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ कहते हैं कि ज्योति देवों का जो अपन ने बताया था नहीं भूलना है अपने को, ये अपने को बिल्कुल नहीं भूलना है, देवों का द्रव्य काल क्षेत्र की अपेक्षा। तो ये बात कौन सी मैंने बोला है, द्रव्य की अपेक्षा बोल रहा हूँ कि क्षेत्र की अपेक्षा से, कि काल की अपेक्षा से, जो मैंने अभी बात की है ये क्षेत्र की अपेक्षा से, क्योंकि जगत पत्र का पनट्टी प्रमाण पत्रांगुल से भाग देने पर तो ये क्षेत्र की अपेक्षा प्रमाण बताया। द्रव्य की अपेक्षा से बताएंगे तो केवल असंख्यात है, काल की अपेक्षा से बताएंगे तो क्या होंगे, असंख्यात असंख्यात उत्तरपणी अवसरपणी से अपरत हो जाते हैं। लेकिन जो प्रमाण अपन बता रहे हैं कौन से बता रहे हैं, वह बता रहे क्षेत्र की अपेक्षा से। क्या बताया आप प्रवीणा जी, अब नाम याद आया मुझे, नाम बोले प्रवीणा जी बताइए। द्रव्य क्षेत्र और काल की बात करी है कि मतलब इसमें राशि बताएंगे तो द्रव्य की अपेक्षा से बताएंगे,
तो मतलब संख्या तो देंगे, देव कितने का संख्यात है, नाग कितने संख्यात है, काल की अपेक्षा बताएंगे तो मतलब असंख्यात संख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी से भी अप्रत नहीं होती है, लेकिन क्षेत्र की अपेक्षा से बताएंगे क्योंकि त्रिलोक सार की सारी गाता है वे क्षेत्र की अपेक्षा से, मतलब जगत प्रतर को किसी विशिष्ट संख्या से भाग देना, उसका नाम क्या था उषा जी, अव्वार काल, अव्वार काल कितना था, पनट्टी प्रमाण प्रतरागुण कैसे आया था, 256 अंगुल का गुणा किया था, तो अंगुल में अंगुल का गुणा क्या तो पत्रांगुल हो गया, 256 में 256 का गुणा क्या तो पनट्टी प्रमाण पत्रांगुल आया था, ये बात वहां पर इन्होंने बताई थी। चलिए ये बात उन देवों के बराबर है सर, ये आठवां राशा कौन सी हो गई, पांच मनोयोगी और तीन वचन योगी, ये सब कितने हैं कि जितना देवों के असंख्यात में संख्यात में भाग है, असंख्यात नहीं मतलब देव की जो राशि है उसमें किसी विशिष्ट संख्यात का भाग देना, तो ये सारे मनोयोगी आ जाएंगे आठों की राशि में, क्योंकि ये आठों योग संज्ञों के ही होते हैं, असंज्ञों के नहीं होते हैं, क्योंकि असंज्ञों में भी आठों योग प्रतिषिद्ध है, भाग ही है, वहां देवों में भी प्रधान काय योगी राशि है, क्योंकि काय योगियों का प्रमाण मनोयोगी और वचन योगी से संख्यात गुणा है। देखो यहाँ पर बात बता दीजिए, मैं बताना चाहता था कि देवों में भी प्रधान किसका, काय योगी वाले देव जाता है, यहाँ पर हम ये बात नहीं करते कि देव कितने हैं मधु जी, यहाँ बोल रहे मनोयोगी देव तो है, मनोयोगी कितने हैं, तो मनोयोगी वाले कहाँ कहाँ मिलेंगे, आपके रिश्तेदार, मतलब मेरे रिश्तेदार आप मैडम नारायण करना, आपके रिश्तेदार तो अमेरिका में मिलेंगे, मेरे रिश्तेदार फिलिंग में भी मिल सकते हैं, देव भी मिल सकते हैं, लड़कियों पिछले जन्म में कोई ना कोई रिश्ता होगा, गति भी हो सकता है और पंचन भी हो सकता है, ठीक है ना, तो जितने जितने पद तीन छे में भी मिलेंगे, लड़की में भी मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे, देवों में भी मिलेंगे, देव में भी मिलेंगे और मनुष्य में भी मिलेंगे, मनुष्य तो ये सभी, लेकिन सब मिलने वाले में जिनके मन योग उनके वचन योग तो वही होगा, उनके काय योग भी होगा, तो ये बताते हैं यहाँ तुम्हारी योग मार्गना चल रही है, तो हमें ये नहीं बताना कि देवता कितने हैं, हमें तो ये बताना कि मनोयोग वाले कितने हैं, हमें वचन योग वाले कितने हैं और काय योग वाले कितने, तो देवता सामान्य राशा में कहेंगे कितने कि असंख्यात है, तो उनमें भी काय योग वाले देवता ज्यादा है, वचन योग वाले कम है और मनोयोग वाले उससे कम है, इसका क्या मतलब हुआ कि मनोयोग का काल कम है, वचन योग का काल उससे अधिक है और काय योग का काल उससे अधिक है, बताने वाले आचार्य अगले प्रश्न में बताने वाले हैं, हम पढ़ लेते हैं उसी चीज को, हाँ बोलो, हम पढ़ेंगे आशाबेन, पढ़ेंगे आशाबेन, यह कैसे जाना जाता है, बोलो आशाबेन, यह कैसे जाना जाता है, योग काल के अल्प बहुत से जाना जाता है, वह इस प्रकार है, मनोयोग का काल सबसे स्तोक है, वचन योग का काल उससे संख्यात गुणा है, काय योग का काल वचन योग के काल से संख्यात गुणा है, अनंतर इन कालों का जोड़ करने पर जो फल हो उससे तीनों योगों की संगी जीव राशि को अपवर्तित करके जो लब्ध आवे उसे अपने अपने काल से पृथक पृथक गुणित करने पर मनोयोगी वचनयोगी और काय योगी जीव राशि होती है, इसीलिए यह निश्चित हुआ कि ये आठ ही मिथ्या दृष्टि जीव राशियां देव के संख्यात में भाग हैं। मतलब आठों राशियों का सामान्य बना ना कि कितना है कि चार कटोरी चावल है, कितने है चार कटोरी चावल है, कितने है कि देवों की जितनी संख्या है उसका संख्या का भाग, ये आठ राशियां कौन सी, पांच मनोयोगी और तीन वचन योगी, ये आठ का प्रमाण क्या है, उसमें अंतर होगा आठों में, वो आठों में कैसे अंतर होगा वो अल्पों से बताएंगे, वो अल्पों से बताएंगे, लेकिन ये सामान्य से कथन करेंगे तो कितने देवों के संख्या से भाग है। अब उन्होंने बताया कैसे निकालेंगे, तो उन्होंने पॉइंट नंबर वन पर क्या बोला कि मनोयोग का काल सबसे अल्प है, उसका तो उसके अंदर क्या बोला वचन योग का काल उससे अधिक है, उससे अधिक क्या काय योग का काल अधिक है, क्योंकि आप लोग मिक्सअप पढ़ रहे थे ना, आज सोचते ही नहीं वचन, मन में काल का सोचने का सबसे कम है, तो उषा जी केकड़ा का आया कि आज जब हम पूजा कर रहे थे, बोल के कर रहे थे कोई नहीं, अच्छी पूजा हो गई हमारी, तो पूजा के सामने तो वचन योग होना चाहिए था, तो उस समय तो वचन योग का काल बड़ा हुआ, जब हम अच्छे विधान की पूजा कर रहे हैं और पूरे लगातार बोल रहे हैं और लगातार एक घंटे तक नमोकार मंत्र का पाठ कर रहे हैं, तो उस समय तो आपका वचन योग का काल ज्यादा होना चाहिए,
वचन योग आप विधान कर रहे हैं, नमोकार मंत्र का जाप कर रहे हैं घंटे का, तब तो बोलो वचन योग का काल ज्यादा होगा। कायोग तो हमेशा रहेगा। अच्छा ऐसा होता होगा सोते समय कायोग का, पूजा करते समय वचन योग का, और जब अकेले में जब जब लड़ाई हो जाए तो मनोयोग का, अकेले में किसी लड़ाई हो जाए, पत्नी से लड़ाई हो जाए तो मनोयोग का काल शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है, आचार्य कहते हैं कि तू पूजा में बोल रहा है वो वचन की प्रवृत्ति है, और मैं बात कर रहा हूँ वचन योग का काल, वचन की प्रवृत्ति। इंद्रज भाई साहब वचन की प्रवृत्ति, काय की प्रवृत्ति ये बात अलग है, और मनोयोग और वचन योग और काय योग अलग है। ये बात प्रीति जी ने विंडो बंद कर रखी, लेकिन नई बात आ गई, क्या करे, नई बात है। मनोयोग का काल आप पूजा कर रहे हैं उसमें भी आपका मनोयोग परिवर्तन आएगा, वचन योग आएगा, काय योग आएगा। काय योग तो आ जाता बोलते हुए, क्योंकि हमें पता है अगर बोलना होता थाली में जाके सब चावल को जल्दी से कर लेते हैं, कई बार तो मिल भी जाता है जाते, वो तो काय योग तो हो जाता है। मतलब ये उस समय भी पलटता रहता है, मन योग वचन योग काय योग का काल पलटता रहता है। खैर तो एक बात क्या हो गया, सबसे कम काल किसका है, मनोयोग का, है ना। अपन उसको मान लेते कितना मान लेते हैं, एक समय, कितना मान लेते हैं, एक समय। वचन योग का उससे कितना है, दो समय। काय योग का कितना है, चार समय। उससे दुगना कर दिया, कुल कितना काल हो गया, सात हो गया। मतलब चार समय का अगर काल हो गया, माना है अपन ने सरल माना बिल्कुल, एक समय का मनोयोग, दो समय का वचन योग, चार समय का काल योग, और सारे इनके जो योगों की संख्या है, मन की संख्या बता दिया, जीवों की संख्या जो है वो 7000 है। तो मनोयोगी कितने होंगे, वचन योगी कितने होंगे, काल योगी कितने होंगे, कि 7000 में 7 का भाग दिया 1000 आ गया, 1000 में 4 का गुणा किया तो 4000 हो गए वचन योगी, 2 का गुणा किए तो 2 गुणा 1000 हो गए 2000, और 1 में 1 का गुणा कर 1000 का गुणा किया तो 1000 हो गए। समझा है ना, ये इसको कहते त्रिराशि, इसको क्या बोलते त्रिराशि, हमारे उनको समझ आ गई, राजू जी को समझ आ गई है, उर्मिला जी को भी आ गई। उर्मिला जी बताओ क्या बताया मैंने, यहाँ क्या बोल रहे हैं, मनोयोग का सबसे कम है, उससे ज्यादा वचन योग का है, एक बात मान लिया। अब कैसे निकालना, ये सबके काल का योग कर लेने का, और उसका अनुपात निकाल लेंगे। अपन ने सरलता के लिए मनोयोग को 1 मान लिया, वचन योग उससे दुगना मान लिया 2, और उससे दुगना गुना 4 मान लिया। ये हो सकता है कि तिगना भी मान सकते हैं आप, है कोई नहीं बता, सरल करने के लिए तो 2 और 1 3 और 4 हो गए 7 समय हो गए, और उनका अनुपात क्या, टोटल समय 7, 1/7 किसका हो गया, मनोयोग। मैं बता इसलिए नहीं बोलता हूँ कि बहुत से लोगों का भी फ्रैक्शन आते नहीं, 2/7 इसलिए मैंने सीधा बताया, लेकिन करना कैसे, 1/7, 2/7, 4/7 गुणा किसे करना है, टोटल 7000 से, तो मनोयोग कितने आ जाएंगे, 7000 में 7 कट गया 1000 आ गए, ऊपर वचन योग में कितने 2000, है ना, कटते जाएंगे ऐसे तो आपको बराबर आते जाएंगे। बराबर ये 7000 कहाँ से लिया, मान इसलिए कि भाग देने में, कल आप 5000 मान लो ना, तो 5000 को भाग दो, कर दे रहो कैलकुलेशन कर दे रहो, मानी है तो फिर 5000 माने तो फिर नीचे अपन ने जो 7 टोटल आया तो आप 10 मान लो ना, आप खुद ही मान लो ना, आपको क्या पड़ रहा है, आप 15000 मान लो, सिर्फ ज्यादा मान लेते हैं, ज्यादा दोस्त 15000 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अनुपात तो वही लेगा, लेकिन अब आपको तो 7 का भाग देना पड़ेगा 15 में, तो फिर वो आपके पास आ जाएंगे 7×14 आ जाएंगे, तो वो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगा, है ना, कर सकते। अपन उस गणित की संख्या में नहीं उलझना चाहते हैं, क्योंकि अब वो चला गया ना टाइम के लिए, तो समझना चाहते हैं कि जितना होता है उसको मान लेते हैं। अनुपात में दुगने ही माना है, आप 3 गुना ही मान सकते थे, कि मनोयोग का 1 है, वचन योग का 3 है, और उसका 4 तो 12 है, ऐसे मान सकते हैं, गुणा करना है, संख्या गुणा है, संख्या 4 भी है, हमारे 4×25 मान लो, कितने मान लो डिपेंड करता है। अब कोई जो नृत्य कला में कपूर्ण है वो बनेंगे मेरा वचन योग से, मनोयोग से वचन योग 20 गुना है, और जितना वचन योग है उससे डांस करते समय 50 गुना हो जाएगा, हाथ पैर ही हिल रहे हैं उस समय। तो ये
अनुपात क्या है, और ये तो अपन सिर्फ उस समय बोले, नृत्य करते समय, पूजा करते समय, खाना खाते समय, योगा करते समय, उस समय, ये तो टोटल काल की बात करें ना कि एक समय सब जीव कितने करने वाले उनकी अपेक्षा है। तो अल्प तो ये कहता है कि मनोयोगी की संख्या कम है, उससे ज्यादा वचन योगी की है, उससे ज्यादा काय योगी की है। उदाहरण माना मनोयोगी एक समय, इनका अल्पबोध कैसे निकालेंगे, कि काल की अपेक्षा से निकालेंगे। किसने कहा, आचार्य श्री ने कहा, तो हमने एक मान लिया, वचन योगी का दो समय मान लिया, मनोयोग का तीन मान लिया, तो कुल सात समय हो गए। अब तुम्हारे सभी जीवों की, सभी संगी जीवों की संख्या कितनी है, सात जीव, किसको लेना, संगी जीव, 7000 क्या माने अपन ने, संगी जीव माने, संगी जीव माने। तो संगी जीव कहाँ पाए जाते हैं, तीरंज में भी पाए जाते हैं, देवता में भी पाए जाते हैं, मनुष्य में भी पाए जाते हैं, और हमारी काल की योग मारिणा में संख्या निकालने की बात करें तो यहाँ पर क्या बात बता रहे हैं, यहाँ पर काल के योगी कितने हैं, वो संख्या कितने योग का काल है। तो क्या अच्छी बात आई प्रीति जी, कि अपन जैसे पूजा कर रहे हैं तो उस समय मुंह से बोल के पूजा कर रहे हैं, तो उस समय अपने वचन योग है तो मनोयोग कैसे होगा, ठीक है। नहीं, जिस समय आप बोल कर पूजा कर रहे हैं उस समय भी आपके वचन योग नहीं चलेगा, वचन की प्रवृत्ति अलग है और वचन योग अलग है, ये बात मतलब आप, मन अलग है और मन की प्रवृत्ति अलग है, ठीक है ना। मन में, मन की काय के अलग, काय योग अलग है और काय की प्रवृत्ति अलग है। तो पूजा करते समय केवल वचन योगी हो ये बात नहीं उषा दोषी, क्या देखना, पूजा करते समय केवल वचन योग हो ऐसा नहीं। जैसे कैसे प्रीति जी, आप जब पूजा कर रहे हैं तो आपके वचन योग मन योग कब आएगा, जब आपको याद आएगी कि घर में अभी जाके चावल बनाने हैं, अभी उनको ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, चलो कर तो रहे पूजा बोल रहे हैं, लेकिन मन में विचार आ गया है कि अभी जल्दी से जल्दी कुकर चढ़ा देंगे। आपके मन में एक मिनट पहले विचार आ जाता है कि घर जाके वो कुकर चढ़ा के खाना बनाना है, तो वो मनोयोग शुरू हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ये सब उदाहरण है, हो गया। लेकिन अभी आप बोल रहे हैं और आप ही, और आप प्रीति जी तो वही महार्घ भी वही बोलेंगे, बोलने का तो प्रीति जी को विभाग भी मॉनिटर होंगे पूजा में, तो प्रीति जी महार्घ बोल रहे हैं, लेकिन वचन योग तो प्रीति जी का पूजा में है, लेकिन मनोयोग तो वही पर भगवान के ऊपर ही है। किसी को मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ प्रीति जी, ऐसा नहीं, हम लोग सबके सभी एक तरीके है, सभी एक तरीके यहाँ बैठे, जितने बैठे सब हमारे ऐसे ही है। ये तो विषय को समझाने के बोल रहे हैं कि प्रवृत्ति अलग है और वचन योग अलग है, ये बात यहाँ पर इस योग मार्गना में अपन क्या सीख रहे हैं कि वचन योग अलग है और वचन की प्रवृत्ति अलग है, ये बात अपन यहाँ पर सीख रहे हैं। पंडित जी, दस योग में से आठ योग को, दो को क्यों छोड़ दिया, वो भी तो देवों से संख्या असंख्यात है ना, कौन से दो योग छोड़ दिए ना सामान्य, नहीं नहीं उनका अलग 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 अनुभव का अलग होगा, उनका संख्या का अलग, अनुभव किसको होता है, दो इंद्रिय से होता है, और दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय, तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय, चार इंद्रिय से कम है, दो इंद्रिय सबसे ज्यादा है, तीन इंद्रिय सबसे उससे कम है, चार इंद्रिय उससे कम है, चाहे पांच इंद्रिय उससे कम है, तो सारे पंचेंद्रिय दो इंद्रिय से कम है, और अनुभव वचन योग किसको पाया जाता है, दो इंद्रिय से पाया जाता है, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार पंचेंद्रिय असंगी तक तो वही पाया जाता है, उनकी संख्या ज्यादा है, तो उनका जो वो देवों का जो संख्या भाग नहीं बनेगा। अच्छा, इसलिए देवों का संख्या भाग नहीं बनेगा, अन्य भाग बन जाएगा, इसलिए उनका सूर्य पढ़ने वाले उसका, तो उनका द्रव्य अलग, मतलब उनका द्रव्य का प्रमाण अलग बनेगा। पुष्पा बेलोकर जी अनंत में नहीं कह रहे ये, अच्छा अच्छा अनंत में और संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पर आएगा उसी में, लेकिन अलग है ना प्रमाण, अलग अलग होगा उसके लिए। बेलोकर, पुष्पा ताई बेलोकर, आपका म्यूट कीजिए, इको आ रहा है। चलिए पुष्पा बेलोकर म्यूट कर लीजिए। चलो 104 नंबर का सूत्र पढ़ना है अशोक जी को, पढ़ो अशोक। थैंक यू सर, थैंक यू सर, मेरा नंबर आ गया। शासन शासन संवाद दिट्ठी दिट्ठी पहुड़ी जाव संजदा संजदा ती भोगम, हिंदी में। सासाधन सम्यक दृष्टि गुणिस्थान से लेकर संयता संयत गुणिस्थान तक प्रत्येक गुणिस्थान में पूर्वोक्त आठ योग वाले जीवों का प्रमाण सामान्य प्ररूपणा के समान पल्योपम के असंख्यात्वे भाग है। पल्योप देखो, इन्होंने यहाँ पर दूसरे से पांचवे गुणिस्थान का, पहले मिथ्या दृष्टि की बात की,
लेकिन हमेशा मिथ्या दृष्टि के बाद में ऐसा नहीं कि दूसरे गुणिस्थ को सीधा दूसरे गुणिस्थान से लेकर आयो पूरा केवली तक ले लेंगे, आयो केवली तक ले लेंगे, कहां तक ले, आगे तक नहीं लेंगे। कहां तक लिया इन्होंने? क्योंकि मनोयोग की बात कर लेंगे अपन, तो आगे गुणिस्थान ने लिए इन्होंने केवल दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, इन चार का बनाया। क्यों बनाया प्रवीण जी? वही संख्या की अपेक्षा आगे के गुणिस्थान मनुष्य के पाए जाते हैं, वो संख्या थे, तो उनका ग्रुप अलग बन जाएगा। यहाँ पर संख्या सारे ग्रुप बनाते हैं वो किसकी अपेक्षा के कितने है, संख्या से असंख्यात है कि अनंत है। संख्या से क्या होता है कि कई भाग हो जाते हैं, पल्लोपम का संख्या का भाग। अभी हमने बोला घनावली के नीचे वायु का एक जीव के लिया था तो घनावली के वहां पर आ गया था, तो घनावली के नीचे वाला पल्लोपम के नीचे वाला है, जगत श्रेणी के नीचे वाला है कि जगत प्रतर के नीचे वाला है, और अभी तो हमारे पृथ्वी जी का एक आ गया, कौन आ गया? जगत प्रतर और लोक के बीच वाला भी है। कौन है आपके, कौन है बीच में जगत प्रतर और लोक बीच में कौन है? बादल वायु काय पर्याप्त हवा ही हवा है सारे लोक में, काय जगत पतन से भी जिसकी संख्या है अधिक और धन लोक से कम है। यही तो कुछ बातें याद रख सकते हैं अपन, जगत पतन से अधिक और धन लोक से कम कौन है प्रीति जी? बादल वायु काय के जी पर्याप्त, धनावली से कम और घन पतन से अधिक वो कौन है? बादल अग्नि का एक पर्याप्त जी, बादल अग्नि का एक। रोज आप गैस का चूल्हा जलाते हैं, रोज आप हवा चाहिए आपको, दो तो याद कर ले, बादल अग्नि का है और बादल वायु का है, पर्याप्त पूरा नहीं लेना, बादल लेना पर्याप्त लेना है ना, और वन लेना, क्योंकि अपर्याप्त संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो क्या बताया? दो पॉइंट बताए, एक बताया घनावली से कम प्रतनावली से ज्यादा, दूसरा बताया घनलोक से कम जगत प्रतर से अधिक। दोनों एक ही चीज है, पास पास का स्टेशन है, लेकिन उसका क्या है, एक स्टेशन का नाम है बादल अग्नि काय पर्याप्त, दूसरे का नाम क्या है? बादल वायु काय पर्याप्त। कौन सा बादल वायु काय पर्याप्त है, कौन सा बादल अग्नि काय पर्याप्त है, बादल अग्नि काय पर्याप्त कौन बताएगा? अभी अभी मैंने बताया, बहुत बढ़िया, बोलो अशोक। बादल वायु का एक जो है वो घनलोक से कम है, जगत पतन से अधिक है, और बादल अग्नि का एक जो है वो घनावली से कम है और घनांगुल से कम है, पत्रांगुल से अधिक है। बहुत बढ़िया, तो ये ऐसे यहाँ पर उन्होंने जो बात को उन्होंने बताया, ठीक है। चलिए अब आगे करेंगे, तो पल्लोपम के असंख्यात भाग प्रति पढ़िए, पल्लोपम के कस्तूरी जी, कस्तूरी पढ़े पल्लोपम के असंख्यात भाग के प्रति। पढ़ती हूँ, पढ़ती हूँ, पढ़ती हूँ, एक मिनट, मैंने प्रवेश पढ़ता था, एक मिनट। पल्लोपम के असंख्यात भाग के प्रति ओग जीव के साथ इन आठ जीव राशियों की समानता है, इसलिए सूत्र में ओग ऐसा कहा, परंतु पर्यायार्थिक न्याय का अवलंबन करने पर तो सासादनादि संयता संयत गुणस्थान प्रतिपन्न ओग प्ररूपणा से गुणस्थान प्ररूप प्रतिपन्न इन आठ राशियों में महान भेद है, क्योंकि ये राशियां ओग राशि के संख्यात्वे भाग है। शंका यह कैसे जाना जाता है? समाधान, पूर्वोक्त योग काल के अल्प बहुत्व से यह जाना जाता है, शेष कथन सुभग है। अल्प बहुत्व से पूरी योग भागना चलेगी, काल अल्प बहुत्व से पूरी योग भागना चलेगी, और अल्पभूत का सबसे पहले क्या है कि मनोयोगी, मनोयोग का काल कम है, वचन योग का उससे अधिक है, और वचन योग से काय योग का काल अधिक है। इसको काल को बनाकर उन्होंने जो सारी संख्या का यहाँ पर प्ररूपना की बात बता दी। यहाँ पर आठ महाराशि किसकी बात कर रहे हैं? पांच मनोयोगी और तीन वचन योगी, वचन योगी। आठ का अपने और का नाम सुना, इसका हाँ बोलिए बोलिए, पूछिए पूछिए अंजना जी पूछिए। ये जो ना, हाँ देखो, अपनी अपनी यहाँ पर योग मार्गना चल रही है, योग है ना, योग अपने
मन योग वचन योग का योग, तो ऐसे कौन से योग मार्ग से भेद करेंगे, कितने मनोयोगी है, कितने वचन योगी है, कितने काय योगी है, ऐसे बात करते थे। लेकिन अभी सबकी एक साथ बात नहीं करके उनको ऐसा करना है, जैसे अपन कहते ना कितने लोग हैं जिनके पास में दो कमरे का फ्लैट है, कितने लोग हैं जिनके पास में चार कमरे का फ्लैट है, किसके पास है जिसके पास में केवल स्कूटर है, किसके पास में केवल दो कारें हैं, किसके पास में एक कार, ऐसे अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पर कैसे ग्रुप बनाएंगे कि ऐसे कितने जीव है जिसके पास में पल्लोपम का असंख्यात भाग है, ऐसा कितने जीव है जिनके संख्या कितनी है कि उनके जो है कुछ विशिष्ट देवों के असंख्यात में भाग, संख्या में भाग है, तो उस हिसाब से अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पर जब हम शासादान के बाद में बात करते हैं तो उसको हम यहाँ पर बात कर सब लोग जानते हैं, यहाँ पर गुणस्थान प्रतिपन्न जीव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुणस्थान प्रतिपन्न जीव बोलते हैं। ये जीव सारे संगी होते हैं, तो शासादान गुणस्थान वाले जो जीव है तो उनमें कितने बोल रहे हैं कि पांच मनोयोगी और तीन आठ को लेंगे। अब उसमें जगह जगह पर गुणस्थान की बात करेंगे तब वो बात करेंगे, काय योग की बात तो भी आ ही नहीं सकती यार, अभी मनोयोग और वचन योग की बात करें। दूसरी बात क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, पर्याप्त को ही लिया है, तो मनोयोग और वचन योग केवल पर्याप्त ही होता है, इसलिए उन्होंने काय योग को अलग कर दिया, मनोयोग और वचन योग पर्याप्त होता है, पर्याप्त अवस्था में ही यहाँ पर बात कर रहे हैं। नहीं समझ में आया फिर से बोलिए। आपका प्रयास अच्छा चल रहा है, आप बार बार पूछ रहे हैं, और नवला जी के स्वाध्याय करने का यही तरीका है कि निशंक होके आपको निशंकित अंग बहुत जल्दी प्रकट होने वाला है, क्योंकि आप में सबसे अच्छी जो क्वालिटी है एक स्वाध्याय करने में कि बिल्कुल नहीं घबराते हैं और प्रश्न जो नहीं आया पूछ लेते, और ये बात बहुत अच्छा लक्षण है, क्योंकि मनुष्य पर्याय हमको मिली है, और इस समय अगर तत्व ज्ञान संबंधी कोई भूल अगर हमारी रह जाएगी तो पता नहीं कब इसका मौका मिलेगा। तो तत्व संबंधित भूल में ये मत सोचना कि जूम के इतनी खिड़की खुली हुई है और हम क्या पूछे क्या नहीं पूछे, आप सब लोग अवश्य पूछे, मैं भी आप लोगों के साथ में स्वाध्याय करना हूँ जितना आएगा, और नहीं तो फिर अपन जो है वो खुलासा करेंगे, है ना। लेकिन अपन को जितना आता उतना विशेष खुलासा करेंगे, और कई बार खुलासा ग्रंथ में आगे चलकर भी हो जाता है, हमने देखा है कि कई बातें आगे जाकर विशिष्ट होती जाती है। ये पुस्तक जब बीच में हमको बहुत कठिन लग रही थी, लेकिन अब प्रीति जी को तो सर लगने लगी है, उनको भी लगने लगेगी, सबको समझ आने लगी ना भैया। चलिए आगे चलते, आप पढ़ना शुरू करिए हमारे साथ, जब पढ़िए ये पढ़ सकते हैं क्या अंजना जी, ये 105वां पमत संजन पौड़ी, पमत संजन पौड़ी जाओ, संजोगी संजोगी के क्या सहयोगी केवली हिंदी में नहीं, नीचे का 105 हाँ, ये कौन सा एक मिनट, ये प्रबल गुणस्थान कौन सा गुणस्थान है, कौन पढ़ रहे हैं, छठा गुणस्थान अंजय जी, आपका जो पुस्तक नहीं है क्या, आपको पीडीएफ डाली है अपने ग्रुप में, आप है ना हमारे ग्रुप में, अच्छा आज ही डालने में कहते डाली है, आप देखिए खंडा गम ग्रुप में, अभी ग्रुप में ऐड नहीं है ये, प्रीति जी कुछ मॉनिटर है आप, आपको बहुत वो थोड़ा ध्यान दीजिए, चलो ठीक है बाद में देखते हैं। हाँ राजू जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं राजू जी ने हाथ उठाया था, बोले राजू जी हाँ राजू जी, राजू जी बोलिए ना, अनम्यूट करके बोलिए, हाँ छठा गुणस्थान प्रबंध है, तो यहाँ पर छठे गुणस्थान से लेकर आठ गुणस्थान के लिए यहाँ पर संख्या राशि वाले हैं, तो यहाँ पर विभाजन का क्राइटेरिया क्या है, किस कारण से संख्या की अपेक्षा है, क्या संख्यात है क्या असंख्यात है क्या अनंत है, तो छठे गुणस्थान से उन्होंने अलग ले लिया है ना, अच्छा संयोग केवली गुणस्थान तक लिया उन्होंने, योग मार्गणा में
मनोयोगी को उन्होंने कहा तक लिखा है देखो मनोयोग है लेकिन मन से काम नहीं लेते। मुग्धा जी देखो यहाँ पर लिखा है ब्रह्म छठे गुण स्थान से लेकर संयोग तेरहवें गुण स्थान तक लिया है उन्होंने। तेरहवें गुण स्थान मतलब योग मार्गणा से मनोयोगी मार्गणा में एक तेरह गुण स्थान तक लेना पड़ेगा आपको। यहाँ तो छठे से तेरह की बात है तेरह गुण स्थान तक लिया लेकिन संगी मार्गणा में तेरहवा गुण स्थान नहीं आता बारहवा गुण स्थान नहीं आता है। क्यों नहीं आता है कि अनंत भगवान के मन तो है लेकिन मन से काम नहीं लेते हैं इसलिए उनको संगी मार्गणा में नहीं लिया। क्योंकि संगी मार्गणा में क्या कहेंगे कि जो हित और अहित का विवेक मन के द्वारा कर सकते हैं। जैसे अपने नीचे कोई ठंडा पानी था तो अपने को लगा ठंडा लगा तो ये तो मति ज्ञान का विषय हो गया और ये पानी है ये शुद्ध ज्ञान का विषय हो गया है और अब यहां से उठना है ये मन से निर्णय हुआ। मन निर्णय क्या कि उन्होंने पूरी आपकी जो क्या कहते हैं हमारे कुर्ता खराब हो जाएगा कि पजामा खराब हो जाएगा तो मुकेश भाई साहब फौरन उठ जाएंगे कि पानी आ रहा है। तो ये जो है ना अलग अलग चीज हो गई। हम मन से काम नहीं लेते वो ठीक है ना। चलिए इसका पढ़िए आगे पढ़िए। यहाँ पर संख्यात की अपेक्षा देखो ये सूत्र ऐसी लाइन है सब कहेंगे बिल्कुल सरल है कुछ समझने का नहीं है लेकिन यहाँ पर रुको 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 ये लाइन में बहुत बड़े भाव है। इस लाइन में उषा जी बहुत बहुत बड़ी बात है। क्या बताएं यहाँ पर शंकाकार बोलते कि पिछले जब आपने शासादान आदि से लेकर बात की थी तो आपने ओम बोला था बड़ा पल्ले के संक्रांति भाव उगत के अपेक्षा समान है। शंकाकार मुकेश भाई की तरह से वो बोलते हैं वहां तो आपने ओम बोला था तो यहाँ भी छठे गुण स्थान से लेकर तेरे गुण स्थान तक वो क्यों नहीं बोल रहे हैं अलग अलग गुण स्थान में अलग अलग नए नए लगाओ नए नई विभाषा यहाँ पर नए लग रहे तो क्या अपेक्षा पर्यार्थी नहीं की अपेक्षा क्या अपेक्षा लगेगी वहां पर क्यों नहीं वहां भी लगा लेते पर्यार्थी नहीं की अपेक्षा मन के अलग है वचन के अलग है काय के अलग यहाँ भी अलग है इसलिए पर्यायार्थी का अपेक्षा लगाई यहाँ भी अलग है वहां भी अलग है दोनों जगह वहां लगाई यहाँ पर क्यों नहीं लगाई वहां पर द्रव्यार्थी नहीं से कथन किया यहाँ पर पर्यायार्थी नहीं से कथन क्यों किया संख्या की अपेक्षा से किया की संख्या मनोयोग की संख्या वचन योग की संख्या और काय योग की संख्या। इसका उत्तर यह है कि मेरे को अवधि ज्ञान नहीं है और संख्या अवधि ज्ञान का विषय है अवधि ज्ञान में पल्ले का संख्या दबाग अलग अलग है मैं अगर पर्यार्थी नहीं से कहता भी तो आपको कैसे समझ में आता। लेकिन यहाँ पर तो हमें पता है कि तेरहवें गुण स्थान में 8,58,502 है चौदह गुण स्थान में 598 है प्रबंध गुण स्थान में 2,96,99,103 है तो ये बातें करोड़ों में हमको समझ में आती नहीं आती अंतर है इसलिए यहाँ पर पर्यार्थी नहीं करता। देखो कितना भी ये बात लगती नहीं है आचार्य जो है निकालते हैं। देखो भूत बलि आचार्य ने तो मित्र लिखा होगा बोलिया ओग नहीं लिखा लेकिन तो वीरसेन आचार्य की विलक्षणता है तो वहां ओग डाला और यहाँ ओग क्यों नहीं डाला यहाँ भी ओग डालना था क्योंकि भी ओग के समान है क्योंकि जो गुणस्थान में संख्या बताई वही संख्या यहाँ पर है। लेकिन बात क्या बताना उनको बताना है कि यहाँ पर जो ना हम इस पर्यार्थिक नहीं की अपेक्षा कथन किया क्यों किया कि यहाँ पर पर्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से ज्ञान कर सकते हैं असंख्यात का पर्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से ज्ञान नहीं हो सकता है केवल यही बताना पड़ेगा कि अलग अलग है। चलिए मुग्धा जी पढ़ना आगे का शंका वह पर्यार्थिक नहीं भी यहाँ पर किसलिए ग्रहण किया गया है। समाधान योग काल का आश्रय लेकर राशि विशेष का प्रतिपादन करने के लिए
यहाँ पर पर्यायार्थिक ने का अवलंबन लिया गया है। आगे योग काल के आश्रय से अल्प बहुत्व किस प्रकार है ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं सत्य मनोयोग का काल सबसे स्तोक है। एक अंतर्मुख अपन लिख लेते हैं, एक अंतर्मुख पॉइंट नंबर वन, सत्य मनोयोग का काल एक अंतर्मुख। आगे पढ़ो। मृषा मनोयोग का काल इससे संख्यात गुणा है। हाँ, दो दो अंतर्मुख, उससे उभय मनोयोग का काल मृषा मनोयोग के काल से तीन अंतर्मुख। मनोयोग का काल मृषा चार मान लेते हैं, एक दो चार, मनोयोग का मृषा काल का चार मान लिया, ठीक है, और अनुभव मनोयोग का आठ मान लिया, उसे पूरा मान लिया, अनुभव का आठ मान लिया। इससे मनोयोग का काल विशेष अधिक है। रुकेंगे यहाँ पर, यहाँ मनोयोग के पांच बोले हैं हमने, पहले का एक, दूसरा उसका दो गुणा दो, फिर चार, फिर आठ, आठ कितने हो गए प्रीति जी? आठ और चार बारह और चौदह पंद्रह, सामान्य मनोयोग का काल हो गया पंद्रह। अपन इससे दुगना करेंगे, वचन योग का तीस करेंगे और आगे की बात को बंद करेंगे। थोड़ा आप लोग भी देखिएगा, समय अपना हो गया है, आज अपन ने अल्पोध शुरू किया, लेकिन जब तक आप लिखेंगे नहीं एक अंतर्मूढ़ दो अंतर्मूढ़, क्योंकि सबका गुणा संख्या गुणा है, तो अपन ने पहला सबसे पहले चालू किया तो वहां पर एक अंतर्मूढ़, अपन संख्या छोटी छोटी मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखना है? सत्य मनोयोग का काल सत्य स्तोक है, हमने मान लिया एक अंतर्मूढ़ है। मृषा मनोयोग का काल मतलब असत्य मनोयोग का काल असंख्यात गुणा है, हमने संख्यात का प्रमाण दो माना, एक में दो का गुणा किया, दो अंतर्मूढ़ आया। उस मनोयोग का काल मृषा मनोयोग काल से भी संख्या गुणा है, आगे फिर दो से गुणा किया, ऐसे दो दो से गुणा किया, संख्या का प्रमाण दो मान लिया और हम सामान्य पर आ गए पंद्रह। आगे इसी तरह से अशोका जी लगाना, सब जगह दुगने ही रखना, इससे वचन योग का करेंगे तो तीस, फिर साठ, फिर एक सौ बीस। मैंने इससे कम यह कि आपको आगे पहुंचने में हजार के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे पूरा, ठीक है। तो ये आगे का अगर आप लगा के आएंगे तो कल के स्वाध्याय में बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए आप भी लगा सकते हैं, आप शुरू सरल करना, एक अंतर्मूढ़ और संख्यात का गुणाकार हमेशा दो ही मानना, अपने को बदलना नहीं है, तो आपको बराबर आता जाएगा। पॉइंट लिखते रहना, पांच मनोयोग के आएंगे, पांच वचन योग के आएंगे, बीच में किसी और का आ जाए तो उसको भी लिखना पड़ेगा, अपन जैसा वहां पर लिखा है उसको अपन गिनेंगे। अभी रुकते हैं, अपना समय हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। पंडित जी वहां पर दो छोड़ दिए थे मगर यहाँ पर लिया हुआ उन्होंने अनुभव वचन योग को लिया हुआ है इसमें। ये अल्पोत बोल रहे ना, अल्पोत में सबसे लेंगे, अल्पोत छोड़ कर देंगे, अल्पोत में तो सभी को लेकर समझाएंगे। वो तो द्रव प्रमाण बताया था, अब द्रव प्रमाण में कौन कितना बड़ा है, कितना ज्यादा अल्पोत है, तो अब ठीक है ना। हाँ, या तो सभी गुणस्थान लिए हैं ना, काल की अपेक्षा ले रहे हैं यहाँ पर, किसका कितना काल है, किसका कितना, किसका कम है और उससे अधिक कितना कितना है। देखो मैं फिर नाम बोलूं, प्रवीण जी, हाँ, जैसे होता है पल्ले को लेते नहीं लेते, पल्ले को लेते हैं, जगत पत्र को लेते हैं, पल्ले में कहाँ कोई जीव है, अपन देखते इससे इससे बड़ा पल्ले है, जगत श्रेणी उससे है, जगत पत्र बता ना, पल्ल्य जगत श्रेणी जगत पत्र लोक ये सब आते हैं, लेकिन इस समय कोई जीव समाज नहीं है, ऐसा कोई जीव समाज नहीं जिसकी संख्या पल्ले हो, ऐसा कोई जीव समाज नहीं है जिसकी संख्या जगत श्रेणी हो, ऐसा कोई जीव समाज नहीं जिसकी संख्या जगत पत्र हो, ऐसा कोई जीव समाज नहीं जिसकी संख्या जगत लोक हो, लेकिन फिर भी लेते थे ना माइंड स्टोन है, बीच में आया तो लेंगे। देखो बीच में अगर पेट्रोल पंप आया और कोई मकान में कोई नहीं रहता, फिर जिंदगी नहीं है भाई, हम वहां जा रहे थे तो बीच में तीन पेट्रोल पंप आए, चार कुएं आए, अब थोड़ी तो कुएं पर कोई आदमी पानी भर रहा हो नहीं भर रहा हो, कोई लेता हो तो बात करें है तो बोलना पड़ेगा। बीच में माइल स्टोन कहते हैं ना, माइल स्टोन क्या संकेत का चिन्ह। अब शीतल नाला में कौन से भगवान का टूक है, शिखर जी यात्रा में शीतल नाला जाते हैं तो कोई टूक है, लेकिन कहते ना शीतल नाला आएगा उसके बाद वो आएगा, फिर गौतम गंधर्व का टूक आएगा, फिर कुंतनाथ भगवान का टूक आएगा, ऐसे गिनाते हैं, तो शीतल नाला को भूलते हैं क्या? इसलिए बीच बीच में गिनाते रहते, ठीक है। यहाँ पर तो अनुभव वचन योगी में टूक है मतलब जीव समास है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे थे, पांच मनो के तीन वचन योगी में बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अल्पोत में इसलिए किया कि वो बीच में आता है, ठीक है ना, इसलिए उसको लिया। सर जब
जैसे निकोस की बात करते तो सिद्ध भगवान को लेते नहीं लेते बीच में, जबकि सिद्ध भगवान की बात ही नहीं थी उस जगह पर। जब हम उसकी बात कर रहे हैं काय की मांगना की बात कर रहे हैं, सिद्ध भगवान तो अकाय है, लेकिन फिर सिद्ध भगवान को क्यों लिया? काय मांगना की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप केवल उसकी बात कर रहे हैं, निकोस जीव के लगा रहे अद्भुत लगा रहे हैं, तो उसके अंदर आपको सरस के बात से सिद्ध भगवान को लेना पड़ा, क्योंकि बीच में आएंगे। ठीक है सर, आप जैसे सत्य मनोयोग का काल हमने एक अंतर मुहूर्त लिया, हाँ। फिर मशा मनोयोग का काल हमने दो अंतर मुहूर्त लिया, फिर यहाँ पर संख्या दो माना, मशा योग का काल नहीं लिया, मशा संख्यात का प्रमाण दो माना और उसके बाद चलते गए। हाँ वही कहना जा रही थी मैं कि संख्यात का प्रमाण दो माना, एक गुणा दो, अच्छा एक गुणा दो करेंगे इसको, दो नहीं माना। अगर आप तीन मानेंगे, हाँ संख्या यहाँ से शुरू होती है, इसलिए जो है दो, हाँ। एक गुणा दो बढ़ती जाएगी गुणा करने में, एक दो मान लो ना, दो मान के कर लो, एक दो, फिर दो में दो का गुणा किया चार, चार में दो का गुणा किया आठ, पहला जो पहले अंतर मुहूर्त एक लिया था हमने सत्य मनोयोग का, तो सत्य मनोयोग के एक में ही हम दो संख्या से गुणा करेंगे, तो दो ही कम दो जो है वो मृषा मनोयोग का सबको समझ आ जाएगा ना, और मेरी गलती भी निकल जाएगी, इसलिए गलती निकल जाएगी, आपके तैयारी हो जाएगी, मुझे पता आप है, तैयार कर लेना, सभी के हो जाएगा, सभी को समझ भी आ जाएगा और सबके भी हो जाएगा। तो मृषा मनोयोग का काल हमारा जैसे दो आया, दो ही कम दो आया ना, एक को दो से गुणा करने पर, फिर मृषा मनोयोग को हम दो को फिर दो से ही गुणा करेंगे, तो फिर वह अभय मनोयोग का काम काल जो है दो चार अंतर जाएगा, चार अंतर मुहूर्त को फिर हम दो से गुणा करेंगे, तो फिर वह जो है अनुभव मनोयोग का काल आठ आ जाएगा। इसी प्रकार से अब आगे गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि चारों मनोयोग के भेद हो गए हैं, चारों का टोटल काल ही सामान्य काल हो जाएगा, टोटल काल हो जाएगा। अब आठ से दो का गुणा नहीं करेंगे, अब जोड़ करेंगे चार, मतलब आप तीन बार तो गुणा किया, टोटल जोड़ करेंगे, तो सामान्य मनोयोग का काल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर वचन योग का इसी प्रकार से ले लेंगे, इसी प्रकार एक एक से ले लेंगे ना, हाँ नहीं तो फिर हम लोग जो है उसको सारे को ही करते चले जाते हैं एक साथ, अब हम लोग अलग अलग कर लेंगे, हमेशा गुणा करते नहीं जाने का। हाँ जी, वचन का टोटल कर देंगे, वचन योग का टोटल किया, सामान्य मनोयोग आ गया, फिर चार वचन योग के दुगने दुगने करके आ गए, फिर उसके बाद में जो है फिर टोटल कर दिया, तो वो आ जाएगा, इस प्रकार से कर देगा जी। ऐसा करेंगे तो आपको ये स्वाध्याय में आनंद आएगा, मतलब है ना, अपन कुछ छोटे छोटे अंकों को लेकर कर रहे हैं, जिससे समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी, है ना। नंबर भी डालना है इसमें, नंबर भी डालना है मुद्दा जी, नंबर भी डालना है इसमें, हाँ जी हाँ जी, नंबर भी डालना है, अंक भी लिखने हैं, अपने नोट भी बनाने हैं, घर में बहुत जगह है, नहीं हो तो कर लेना, आशा पूरे पेज के ऊपर शुरू कर दिया जी, पूरे पेज के ऊपर अच्छी लगे, ठीक है ठीक है ना, अपने कॉपी बना के रखने का है सबको, ठीक है। चलिए जिनवाड़ी स्तुति समय करती हूँ सर।